जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग में अच्छे गुजर रहे होंगे। तो यार, आप में से काफ़ी लोगों ने शिकायत की थी कि यार आपकी जो वॉइस है ना वो क्लियर नहीं आ रही है और वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वॉइस को कुछ अच्छा किया जाए और कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जाए, लेकिन यार सिटी है, लाहौर है, देख लें आप आगे लाहौर में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो रश, एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से नॉइज इतनी है और साउंड इतना आ रहा होता है पीछे से कि वॉइस बंदा क्या करे अब वॉइस का। तो बहरहाल मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि जो वॉइस हो ना इसमें नॉइज थोड़ा कम हो। तो बहरहाल कोशिश है मेरी, माइक भी बहरहाल कुछ नहीं कर पा रहा यहाँ पे। माइक भी कुछ ना कुछ हद तक तो वॉइस जो है ना उसे कैंसलेशन कर देता है वॉइस में से नॉइज को, लेकिन फिर भी अभी भी हमें थोड़ा बहुत मसला आ रहा है। बल चले कोई नहीं, ये तो चलता रहेगा। डेली के मसाइल हैं, छोटे मोटे मसाइल हैं, पाकिस्तान की तरह जैसे हमारे मुल्क के मसाइल चल रहे हैं ऐसे भी यहाँ पे भी मसाइल चलते रहेंगे। बल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार नॉइज़ को ख़त्म किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेक्निकल का लेक्चर। तो आज संडे का दिन है तो ये वीडियो आपको संडे को मिलेगी, मैं इसे हफ्ते वाले दिन बना रहा हूँ। तो एडवांस में मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो को। तो 24 से 25 जो शेयर हैं, आप लोगों ने जो भी शेयर सजेस्ट किए थे मैंने तमाम पे टेक्निकल एनालिसिस करना है। तकरीबन 25 हैं, 24-25 हैं, तो इन पे इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला डेरा गाजी खान सीमेंट, तो कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया था और डेली पे भी मैंने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन मैं ज़रा चाहता था कि इस पे ना डिटेल में बात की जाए। तो डिटेल में बात करते हैं जी, ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैकडी को देखें तो मैकडी ने हमें यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर दी थी इस कैंडल पे, जब ये कैंडल हमारे पास 42 पे थी, तो तब इसने बाय कॉल जनरेट की थी। उसके बाद ये शेयर तकरीबन 44 पे गया और 45 को शेयर ने टच भी किया था, 46 को भी टच किया था, सॉरी। मैकडी ने बाय कॉल जनरेट कर दी थी, आरएसआई ने बाय कॉल जनरेट कर दी थी। अब इसकी अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखी जाए तो वो हमारे पास 39 पे है। अगर ये शेयर लेट्स सपोज 39 पे जाता है तो मेरे ख्याल में बाइंग तो करती है आप लोगों की। अगर आप लोगों ने इस लेवल पे अगर बाइंग किया था, जिस बंदे ने मेरे ख्याल में इस लेवल पे, तो बड़ी अच्छी प्राइस पे बाय किया था इस लेवल पे। इस लेवल पे भी आप लोग एंट्री बना सकते हैं। मैं यहीं पे एक सपोर्ट ही ड्रा कर देता हूँ। चलें, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी थी वैसे इसकी, 40 की, 41 की। 41 पे अगर आप लोगों ने बाय किया है तो भी बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आप वेट कर रहे हैं 39 का तो भी सही है। मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, आप दोनों में से जिस लेवल पे बाय करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। अगर मजीद आप लोग मुझे कहते हैं कि अभी करंट प्राइसेस पे बाय करना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूंगा करंट प्राइसेस पे भी शेयर बहुत अच्छा मिल रहा है। ये शेयर का हाई देखें, ये शेयर कहाँ पे गया था, 57 पे गया था। तो एंट्री इन तीनों लेवल में से किसी लेवल पे भी आप लोग एंट्री बना सकते हैं। ये फर्स्ट लेवल पे आप लोग बाय करें 30%, और तकरीबन 40 से 41 के दरमियान है, 30% मजीद बाय करें। और देन अगर 38 पे आता है, 38 या 39 पे आता है, तो आप मजीद आप 20% बाय कर लें। तो इस तरह आपका तकरीबन 30-30 और 20-80% बाय हो जाएगा, और 20% आप एवरेज के लिए रखेंगे। अगर ये शेयर मजीद 35 पे चला जाता है तो इनकेस, वैसे तो नहीं जाएगा लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना। रिस्क हम तब लेंगे ना जब जरूरत होगी। रिस्क तो हमने ले लिया है, जब भी एक आप ट्रेड ले रहे हैं तो रिस्क तो ले रहे हैं, आपके वो मजीद डाउन जा सकता है। अगर आप देखें 43 पे ले रहे हैं तो रिस्क तो है, नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। आप 40 पे बाय करें, 41 पे, फिर भी रिस्क है, नीचे जा सकता है। 38 पे बाय करें, फिर भी रिस्क है, नीचे जा सकते हैं। इसलिए जो 20% रखा है ना, वो 20% जो है वो आपके एवरेज करने के लिए होगा। अब अगर आप कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस बनाई जाए, इसकी एक रेजिस्टेंस हमारे पास सिंपल बनेगी तकरीबन 46 पे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। एक रेजिस्टेंस इसकी बनेगी 41 पे, और देन इसकी एक और रेजिस्टेंस बनेगी तकरीबन जी हमारे पास 50 की, और देन इसके बाद एक और रेजिस्टेंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग बनेगी 53 की, और देन एक और स्ट्रॉन्ग बनेगी हमारे पास 57 की। तो मैं ये जो आपको रेजिस्टेंस ड्रा करके दी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ड्रा करके दी है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये शेयर 50 पैसे भी नीचे है, 60 पैसे भी नीचे है, 1 रुपया भी नीचे है, आप लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर 50 पैसे एक दिन रेड कैंडल पड़ती है आप बाय करें, दूसरे दिन मजीद 50 पैसे डाउन जाता है फिर बाय करें, एक रुपया नीचे चले जाता है बाय कर लें, और 3-4 दिनों में हफ्ते के अंदर आप लोग इसे निकाल दें। बल ये तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बनाई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके दी है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ड्रा करके दी है। मैकडी को, आरएसआई, मैकडी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आरएसआई को देखें, आरएसआई दोबारा नीचे आ गई है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, अभी तो इसकी एक्स डेट गुजरी है, तो अभी जरा टाइम लगेगा ऐसे ऊपर नीचे जाने में। अभी जरा मे बी, मैं तो कहता हूँ अगर ये 39-40 के लेवल पे दोबारा आता है तो आप लोगों की अच्छी एंट्री बनेगी। 40 के लेवल पे दोबारा बाय करें, और जिन लोगों ने 44 पे बाय किया उन लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, यही स्टॉक मार्केट है, शेयर का ऊपर नीचे जाना ऐसे ही चलता रहता है। वॉल्यूम देखें, आखिरी दिन तकरीबन 1.5 मिलियन का पड़ा था। अब अगर ये शेयर आता है 39-41 के लेवल पे, मैं तो बगैर सोचे समझे बाय कर लूंगा लॉन्ग टर्म के लिए।
आपको पता होना चाहिए सीमेंट सेक्टर हमारा वैसे ही बहुत अच्छा है, चाहे जो कुछ हो जाए। आपका मुल्क मैं कहता हूँ बिल्कुल इकानमी डूब भी जाए ना, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये हमेशा चलता रहेगा। आप छोड़ें, आप बड़ी कंस्ट्रक्शन को छोड़ें, अगर आपने घर बनाना है आप डेली बेस पे कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते हैं, अगर डेली बेस पे नहीं तो आप लोग साल में एक कमरा या एक ऐसी कोई चीज़ बना लेते हैं जिसमें आपको, या फिर कोई ऐसा काम करवाते हैं जहाँ पे आपको सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सीमेंट का सेक्टर कभी भी डाउन नहीं जा सकता, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता। एक बात तो सिंपल सी बात है, ये शेयर परफॉर्म करेगा, इसकी मैंने आपको सपोर्ट भी ड्रा करके दे दी है, रेजिस्टेंस भी ड्रा करके दे दी है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी बता दिया और शॉर्ट टर्म के लिए भी बता दिया। आरएसआई का भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि आरएसआई थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर सकती है, लेकिन आरएसआई ने ऊपर जाना है। अभी तक भी ये शेयर तकरीबन ओवरसोल्ड ही है, मैं ऐसे अभी तक ओवरसोल्ड ही कहूंगा। और अगर 1 आवर पे इसे देखा जाए तो 1 आवर पे ये शेयर तकरीबन अब न्यूट्रल हो चुका है। अब अगर ये शेयर मजीद नीचे आता है, अगर बात करूँ शॉर्ट टर्म के लिए, अगर ये शेयर आता है 42 की आरएसआई पे तो उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगा 50 की तरफ। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए एक अच्छी एंट्री बन सकती है यहाँ इस लेवल पे आपकी। तो मैं इसे दोबारा डेली भी ओपन कर लेता हूँ। पर मेरा काम था आपको एक कॉन्सेप्ट देना शेयर के बारे में, आगे आपकी मर्जी, आप लोग ट्रेड लेते हैं कि नहीं लेते हैं। एक और बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरा एनालिसिस होता है, एनालिसिस मैं अपने लिहाज से करता हूं, और मैं जो बाइंग लेवल बताता हूं वो मैं साइकोलॉजी के लिहाज से बताता हूं कि लोगों की साइकोलॉजी क्या है और मेरी साइकोलॉजी क्या है। तो मोस्टली मेरी और लोगों की साइकोलॉजी मैच कर जाती है। और यहां पे लोगों से मुराद ये है वो लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट का पता है, जिन्हें स्पोर्ट का पता है, जिन्हें रेजिस्टेंस का पता है, जिन्हें ये पता है कि आरएसआई क्या कह रहा है, मैकडी क्या कह रहा है, कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। अब जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों की साइकोलॉजी का मुझे नहीं पता। वो तो मेरे ख्याल में शेयर 50 पे भी बाय कर लेंगे, 57 पे भी बाय कर लेंगे। 57 पे भी कुछ लोगों ने बाय तो किया है ना, तभी तो शेयर नीचे आया है। तो मैं किसी पे तंज नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपल एक फैक्ट बता रहा हूँ कि लोग शेयर को महंगा भी बाय कर लेते हैं बगैर सोचे समझे। आगे चलते हैं जी, और जरा नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं जी। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास लॉर्ड कैम्प। तो लॉर्ड कैम्प में ये जो हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल पड़ी है, मैं आपको काफी दिनों से कह रहा ये जो गैप है ये क्लियर होना है, और अब ये गैप आपके सामने क्लियर हो गया। तो मैं इसी गैप के बारे में आपको हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि जिस शेयर के अंदर भी गैप हो, चाहे KSE 100 इंडेक्स के अंदर गैप हो, चाहे शेयर के अंदर गैप हो, ये गैप क्लियर होना लाजमी होता है। बहरहाल ये कैंडल अच्छी पड़ी थी, इस कैंडल में न्यूज़ कोई नहीं थी, इस कैंडल में हमारे पास न्यूज़ थी। जो हमारे पास लकी कोर इंडस्ट्री वाले हैं, लकी सीमेंट वाले आप समझ लें, उन्होंने इस कंपनी के 75% जो शेयर हैं वो बाय कर लिए हैं। अब वो इनके तकरीबन ऑनर ही बन गए हैं एक किस्म के। जिस कंपनी के पास 50% से ज्यादा शेयर आ जाए दूसरी कंपनी के, वो कंपनी उसकी तकरीबन ऑनर ही बन सकती है, ऑनर बन जाती है बल्कि सॉरी। तो अब लॉर्ड केमिकल के LCI वाले, लकी गौर इंडस्ट्री वाले ऑनर बन गए हैं। तो अब ये जो कैंडल पड़ी है ये कैंडल हमारे पास टेक्निकल मूव नहीं थी, ये हमारे पास न्यूज बेस की मूव थी। अब ये शेयर चला गया 27.49 पे। तो अब देखें शेयर की जो हमारे पास RSI है वो कहाँ पे पहुंची है, और RSI क्या कहती है। RSI अभी पहुंच गई है शेयर की तकरीबन हमारे पास 74 पे, और अब RSI मजीद कहाँ पर जा सकती है इस चीज का अभी तो हमें आइडिया होना चाहिए ना। अब RSI मेरे ख्याल में कम से कम 80 की तरफ जाएगी, RSI यहाँ पे 80 को जरूर क्रॉस करेगी, और 80 पे जाके RSI हमारे पास ब्रस्ट कर जाएगी और फट जाएगी। उसके बाद ये शेयर हमारे पास कुछ टाइम के लिए साइडवे चलेगा, फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। बल टारगेट अप क्लियर है, टारगेट अप कंफर्म है, शेयर को तकरीबन 28 से 29 के दरमियान चले जाना चाहिए। आप इसे एक और सपोर्ट ड्रा कर लें 28.75 से 29.75 तक ये शेयर मजीद अब जा सकता है। मैकडी भी ऊपर जा रही है, RSI भी शेयर का ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डेली की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने शेयर को बाय करना है तो कम से कम आपको 24 की सपोर्ट पे बैठना होगा, कम से कम। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था तो अच्छी बात है, मेरे पास जो थे पोर्टफोलियो वाले थे मैंने उन्हें कहा था भाई आप लोगों ने अगर कोई बात नहीं शेयर अगर नीचे आ रहा है तो होल्ड किए रखें। वो लोग कह रहे थे कि शेयर 24 पे है, 24 पे हमने बाय किया है कहीं इस लेवल पे और शेयर नीचे आता जा रहा है। मैंने कह रहा था यार कोई बात नहीं होल्ड करें, शेयर आपको गेन देगा, और आज शेयर ने गेन दे दिया है। और अब ये देखें लगातार दो कैंडल इसकी देख लें, शेयर ने दो कैंडल में मेरे ख्याल में 3-4 रुपए का गेन डाल दिया है, तकरीबन 24 से लेकर और 27.5 तक, तो 3.5 रुपए का गेन तो दो कैंडल में डाल दिया शेयर ने। अभी न्यूज भी अच्छी आ गई है ऊपर से, अब मजीद गेन एक्सपेक्टेड है इस शेयर में।
तो जो लोग अभी ट्रेड लेना चाहते हैं वो स्टॉप लॉस के साथ यहीं पे ले लें कल ट्रेड सोमवार वाले दिन, और जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ पहले यहाँ पे 24 22 21 23 जहाँ पे बाय किया हुआ है वो लोग अभी 27 से सॉरी 28 से लेकर 29 के दरमियान ही सेल करें, या फिर 29.50 के दरमियान 29.75 तक ये टारगेट आप लोग अपने जहन में रख सकते हैं। तो ये शेयर अब स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया, बुलिश तो वैसे यहाँ पे भी हो गया था पिछली कैंडल पे ही, तो मैंने पिछली कैंडल पे ही आप लोगों को कह दिया था कि ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर से न्यूज का इम्पैक्ट आ गया और टेक्निकल्स को अब सपोर्ट किसने दी है, न्यूज ने। तो न्यूज जब भी टेक्निकल को सपोर्ट देती है तो शेयर ऐसे चलता है जैसे आप लोगों को नजर आई है कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल पड़ी है 25.71 से 27.44 तक, तो 2 रुपए की मूव पड़ गई है, आप लोग देख लें। आगे आगे चलते हैं जी जरा, और नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास CEPB। अब इस शेयर के बारे में जो बंदा कहता है कि भाई हम लोगों ने इस शेयर के अंदर ट्रेड लेनी है तो मैं उन्हें सजेस्ट नहीं करूंगा। वजह क्या है, RSI हमारे पास करंटली ओवरसोल्ड है, RSI ओवरसोल्ड है, शेयर के अंदर मूव नहीं बन रही है, और MACD हमारे पास ओवरसोल्ड है, हर चीज हमारे पास ओवरसोल्ड है। MACD ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं की है, और MACD अगर थोड़ा बहुत गेन दे देती है तो उस गेन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आप लोगों को। और RSI भी देखें हमारे पास अभी तक ओवरसोल्ड है। बहरहाल ये जो हमारे पास एक गैप पड़ा है, इतना बड़ा गैप पड़ा है बोनस शेयर की वजह से, अगर कंपनी अच्छा करे अच्छा परफॉर्म करेगी थोड़ा भी तो ये गैप हमारे पास क्लियर हो जाएगा और शेयर को आप जल्द ही 50 पे देखेंगे। लेकिन इससे पहले कंपनी का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, कंपनी परफॉर्म कोई नहीं कर रही है, सिंपल सी बात है, कंपनी जब तक परफॉर्म नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। कंपनी की एक तो मेरे ख्याल में अभी जो रिपोर्ट आई है, कंपनी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, क्वार्टरली अर्निंग नेगेटिव आई है, और ऊपर से डिविडेंड भी नहीं दिया। अभी इस शेयर के अंदर अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो ट्रेड ना ले, अभी वेट करें, और जब तक ये हमारे पास कंसोलिडेशन जोन नहीं खत्म होगा ऊपर की तरफ हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब ना मुझे आइडिया है, ना किसी गुरु को आइडिया, ना टेक्निकल एनालिसिस वाले बंदे को आइडिया है, मैं खुद को गुरु तो नहीं कहूंगा कभी भी, मैं तो खुद अभी तक स्टूडेंट हूँ और सीख रहा हूँ चीजें। तो बहरहाल जब तक ये शेयर हमारे पास ऊपर की तरफ मूव नहीं बनाएगा हम लोग एंट्री नहीं ले सकते हैं। अगर आप एंट्री लेंगे तो शेयर मजीद नीचे जाता जाएगा। अब अल्लाह जाने ये शेयर 20 पे जाके रुकता है, 18 पे जाके रुकता है, 20 पे, 15 पे, मुझे कुछ कुछ नहीं पता इसका, ना आप लोग कह सकते हैं ये शेयर कब रुकेगा या ना मैं कह सकता हूँ। बहरहाल RSI हमारे पास ओवरसोल्ड है, MACD हमारे पास अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं कर रहा है, कैंडल्स को आप देख लें कैंडल्स बिल्कुल छोटी छोटी हैं और कोई खास कैंडल नहीं पड़ रही है हमारे पास अब तक। अभी तक एक किस्म का ओवर हमारे पास सॉरी जो साइडवे जोन होता है वो चल रहा है और कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। तो जैसे ही ये वाला हमारे पास यहाँ से ये वाला कंसोलिडेशन जोन मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, तो जब हमारे पास कंसोलिडेशन जोन खत्म होगा तो तब हम लोग एंट्री लेंगे। कंसोलिडेशन जोन जब तक खत्म नहीं होगा हम लोग एंट्री नहीं ले सकते हैं। कम अज कम इस शेयर को 24 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, जब तक 24 के ऊपर ये शेयर क्लोज नहीं देगा हमारे पास 24 साढ़े 24 के ऊपर तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। 24 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हम कहेंगे कि अब ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी इस शेयर के अंदर कोई एंट्री नहीं बनती है, अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, पर मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस शेयर के अंदर अभी आप लोग बगैर सोचे समझे घुस जाएं, क्योंकि शेयर एक तो ओवरसोल्ड है और शेयर देखें अपनी स्ट्रोंगेस्ट जो सपोर्ट थी उसको भी तोड़ चुका है, और आगे पता नहीं शेयर कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं पता। तो इसकी जो स्ट्रोंगेस्ट सपोर्ट थी वो मेरे ख्याल में तकरीबन 25 पे थी और ये 25 से 26 पे थी और 26 से भी नीचे आ गया है, और अभी ये शेयर रजिस्ट तो कर रहा है लेकिन जब तक 24 पे मूव नहीं बनाएगा 24 की तरफ नहीं जाएगा हम लोग एंट्री नहीं देंगे। तो 1 रुपए का गेन अगर मिलता है 24 पे जाता है, शेयर 24 को क्रॉस करता है और ब्रेकआउट देता है तब हम शेयर में एंट्री लेंगे। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे, नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास एंग्रो। तो एंग्रो के बारे में मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ सिंपल, कि एंग्रो की जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है वो हमारे पास तकरीबन जिस लेवल पे बन रही है वो मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। एक सपोर्ट एंग्रो की अभी जिस सपोर्ट पे मूव कर रहा है एक वो भी हमारे पास सपोर्ट है 42 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मजीद नीचे भी जा सकता है। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास तकरीबन 230 पे बन रही है, और ये दो जो सपोर्ट हैं बहुत तगड़ी सपोर्ट हैं, एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर इस सपोर्ट पे आएगा, शेयर को आ जाना चाहिए इस सपोर्ट पे। अब देखते हैं कि ये शेयर इस सपोर्ट पे आता है कि नहीं, वैसे चांसेस हैं कि शेयर को इस सपोर्ट पे आ जाना चाहिए। अब अगर इसकी कैंडल की बात करें तो कैंडल डेली बेस पे इसकी नीचे ही नीचे आती जा रही है, हालांकि मार्केट न्यूज की बेस पे परफॉर्म किया लेकिन शेयर ने परफॉर्म नहीं किया और करेगा भी नहीं। RSI को देखें, RSI नीचे आ गई। अब इस शेयर के अंदर जो बेसिक चीज है वो है लोगों की साइकोलॉजी। एक भाई पूछ रहे थे कि एंग्रो एफएट और EPCL वो नीचे क्यों आते जा रहे हैं, यार वो अपनी साल की सपोर्ट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की साइकोलॉजी है, लोग इसे इसी लेवल पे बाय करना चाहते हैं, 200
42 से लेकर 230 पे। इससे अगर ये ऊपर इससे अगर ऊपर जाता है तो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अगर ऊपर जाता भी है तो डे ट्रेडर लेके जा रहे हैं। बहरहाल मैं इसे देखना चाह रहा हूँ 230 से लेकर और 242 के दरमियान। अगर इसके दरमियान अगर आप कहते हैं कि इसके दरमियान भी एक सपोर्ट बननी चाहिए तो जरूर बन रही है इसके दरमियान एक सपोर्ट, और बिल्कुल बन रही है 237 की 35 की। आप इसे 236 कंसीडर कर लें, 242, 236 और 230 या 232, ये इसकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट पे अगर ये शेयर जाएगा आप लोगों ने बाय कर लेना है और चुप करके होल्ड कर लेना है। आगे ये शेयर आपको 270 पे नजर आए, 280 पे नजर आए या 300 पे नजर आए, इन फ्यूचर आपको ये शेयर नजर आएगा 300 पे, 3-4 माह के अंदर ये शेयर आपको 300 पे नजर आएगा इंशाल्लाह। डिविडेंड वाला शेयर है, अगर एक आध मंथ कंपनी का अच्छा नहीं गुजरता तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनी डिविडेंड अच्छा नहीं देती, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड लेना छोड़ दें उस शेयर में। अगर देखें तो कैंडल्स हमारे पास इररेगुलर है, RSI देखें इररेगुलर है और MACD भी इररेगुलर है। बहरहाल मैंने आपको शेयर की साइकोलॉजी बता दी है, 235 पे आप लोग बाय कर सकते हैं, 242 पे भी बाय कर सकते हैं और देन आप 232, 230, 228 पे भी इस शेयर को बाय कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस लगना है अपना शेयर का तो 225 पे आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आगे चलते हैं जी और नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास EPCL, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। अब कुछ लोग ये भी इस शेयर के बारे में भी कह रहे हैं यार जी शेयर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे है। यार अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे है बिल्कुल, 39 इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, लेकिन 39 के बाद भी इसकी एक सपोर्ट बन रही है। उस सपोर्ट को भी देखिएगा, ये रही इसकी एक सपोर्ट बन रही है, अभी इसी सपोर्ट पे मूव कर रहा है। तो इसकी इससे पहले एक सपोर्ट बनी थी हमारे पास तकरीबन 38 की लेवल पे, तो 38 के लेवल पे जिसकी जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आ रही है। तकरीबन साल की सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इसे आपको सपोर्ट ड्रा करने के लिए आपको यहाँ पे 37 से 38 का लेवल, एक सपोर्ट इसकी तकरीबन है 37 पे, यहाँ पे 37 पे है और एक सपोर्ट इसकी तकरीबन 38 पे है। तो 37 और 38 दोनों इसके बाइंग लेवल हैं, तो जब भी ये शेयर 37 या 38 पे आप लोगों को नजर आए आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। बल मैं इसे एग्जैक्ट 38 कर देता हूं ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। ये रही 38 और 38 मैंने कंफर्म कर दिया है, और अब मैं जरा इसका जो नीचे वाला है उस पे मैं जरा 37 कर देता हूं। बल इसे मुझे जरा थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। बहरहाल ये मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया है और जो नेक्स्ट हमारे पास लो नीचे वाली सपोर्ट है उसे मैं जरा 37 कर देता हूँ। तो अब आपके पास जो एक सपोर्ट है 38 की और एक सपोर्ट है 37 की, बहरहाल आप 39 पे भी बाय कर सकते हैं और होल्ड करके रख सकते हैं इन फ्यूचर। कि शेयर वैसे शेयर तो अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, इस दफा थोड़ी सी सेल कम हुई है, कोई बात नहीं, हमारा वैसे ही बुरान चल रहा है हमारे मुल्क का, तो हमारी इकानमी वैसे आगे से तंग चल रही है, इकानमी हमारी परफॉर्म कोई नहीं कर रही है, मुल्क में हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स हैं कोई नहीं, इम्पोर्ट बढ़ती जा रही है, तो मसाइल आगे बहुत है। बहरहाल शेयर अच्छा है, परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई देगा, तकरीबन कंसोलिडेशन जोन भी चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर 37 से लेकर 38 के दरमियान आएगा और देन एक लॉन्ग टर्म एंट्री आप शेयर के अंदर ले सकते हैं। अब मैंने इसे जूम आउट कर दिया है और अब जरा RSI और MACD की बात कर लेते हैं। RSI को अगर देखें तो RSI हमारे पास स्ट्रॉन्ग बीरिश है और RSI काफी टाइम से बीरिश चल रही है, और RSI मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने से बीरिश चल रही है, 1-1.5 महीने से ये शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है और करेगा भी नहीं, अभी मजीद इसे नीचे आना है, 1-2 हफ्ते लेगा शेयर और 37-38 तक आ जाए, 37 पे आता है तो बहुत अच्छी बात है, देन परफॉर्म करेगा। 38 से अगर इसने सपोर्ट ले ली तो फिर ये शेयर आपको चलता हुआ दिखाई देगा और 46-48-50 पे जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, डिविडेंड वाला शेयर है, बल टेक्निकली डाउन जा रहा है, फंडामेंटली कोई नहीं जा रहा, फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं। बस शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कंपनी ने एक मूव बनाई है, आप लोग शॉर्ट टर्म एंट्री ले सकते हैं अगर आपको 50-60 पैसे या 1 रुपए का गेन चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको 37-38 की सपोर्ट बना दिया है। और MACD को देखें हमारा इररेगुलर शेप है, और RSI को देखें तकरीबन इररेगुलर है, और कैंडल्स भी सारी इररेगुलर है। तो अभी आप लोगों ने वेट करना है 37-38 का, अभी भी 39 के लेवल पे भी आप कुछ हिस्सा बाय कर सकते हैं, 10% बाय कर लें बेशक, देन 38 पे आएगा तो आप 40% बाय कर लें, और देन 37 पे आएगा तो 30% और बाय कर लें, तो आपकी 80% की बाइंग हो जाएगी और 20% आप लोग एवरेजिंग के लिए रख लेते हैं। एवरेजिंग उस कंडीशन में की जाती है जब आपका शेयर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास टोमसल, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। कंपनी बहुत अच्छी है इसमें कोई शक नहीं है, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक इसके बारे में अब एक न्यूज़ आई थी और फेक न्यूज़ थी, लोगों ने ऐसे फेक न्यूज़ फैलाना स्टार्ट कर दी थी कि कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रुक गई हैं, कोई एक्सपोर्ट्स कोई नहीं रुकी, कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है। सपोर्ट बेसिकली एक रीजन होता है, मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ। एक जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो हमारे पास तकरीबन 18.50 पे है। अगर ये शेयर 18.50 से 19.20
बल्कि सॉरी 20 आप कंसिडर कर लें, 18.50 और 20, 18.50 और 20.20 इस लेवल के दरमियान अगर आपको ये शेयर मिलता है तो आप लोगों ने चुप करके बाय कर लेना है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप इसकी एक और सपोर्ट कहते हैं तो मैं आपको एक और सपोर्ट भी बाय करके दे देता हूं, तकरीबन 19.20 की इसकी एक सपोर्ट है, मैं इसे 19.20 कर देता हूं, एग्जैक्ट 19.20 की तकरीबन एक सपोर्ट है। बहरहाल एक फिर सुन ले यार, सपोर्ट एक रीजन होता है, तो इसलिए मैं आपको 2 से 3 सपोर्ट ड्रा करके देता हूँ, क्योंकि सपोर्ट एक लेवल नहीं होता कि इसी लेवल पे बाय करना, सपोर्ट एक रीजन होता है, उस रीजन के दरमियान आप बाय करेंगे। बहरहाल ये 3 जगह मैंने आपको बता दी है, आप इस जगह पे शेयर को बाय कर सकते हैं और चुप करके बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म बाय करेंगे, चुप करके होल्ड करके ले लेना है। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई हमारे पास स्ट्रॉन्ग बीरिश है और नीचे आती जा रही है। पर आरएसआई जब अपट्रेंड, अगर यहां से आरएसआई ने अपट्रेंड ले लिया हमारे पास 33 के लेवल से, 32 के लेवल से, तो आरएसआई फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हो जाएगी। अभी तो बीरिश है ना, लेकिन बुलिश होने में टाइम ही लगेगा। बहरहाल अगर आप देखें और मैकडी को देखें, और मैकडी ने यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर एक न्यूज आ गई और फिर उसके बाद शेयर ने अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया। बहरहाल एक्सपेक्टेशन शेयर के साथ अच्छी है, शेयर फ्यूचर में परफॉर्म करेगा, शेयर अच्छा भी है, और बंदा ये भी नहीं कह सकता कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंपनी भी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल्स भी शेयर के स्ट्रॉन्ग है, तो मैनेजमेंट भी कंपनी की अच्छी है। बहरहाल मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बता दी है, ये 2-3 सपोर्ट मैंने आप बता दी, इन 3 सपोर्ट पे चुप करके आप एक्युमुलेट करते जाएं और महीने डेढ़ के अंदर ये शेयर आपका निकल जाएगा। अब अगर आप कहते हैं कि इस शेयर की रेजिस्टेंस भी ड्रा करके दे दूं, तो मैं आपको रेजिस्टेंस भी ड्रा करके देता हूं। एक तो एग्जैक्टली इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 21 बनेगी, 21 की इसकी एक रेजिस्टेंस बनेगी, और 21 से जरा अगर ऊपर जाएं तो शेयर तो अच्छा है यार, 21 से ऊपर ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास बनेगी 22 की, और 22 के बाद अगर हमारी एक और बनाई जाए तो वो तकरीबन बनेगी 23.25, और देन अगर मजीद ऊपर जाना चाहे तो ये शेयर जा सकता है 24.72, और देन इसके बाद एक और बनेगी हमारे पास तकरीबन तकरीबन 26 की, तो मैं ऐसे जरा 26 कर देता हूँ। 26 से अगर बहुत ही अच्छी परफॉर्म करे, बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, तब जाएगी। पर लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा है, आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है इन फ्यूचर। तो आज जरा वीडियो लंबी होगी, टेक्निकल एनालिसिस है, तो डिटेल में सब डिस्कशन करेंगे किस शेयर के ऊपर कैसे काम किया जाए, और बेसिक मकसद ये नहीं होता कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताया जाए, बेसिक मकसद यार ये होता है कि आप लोग कुछ सीखें, आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, तो आप लोग जितना सीखेंगे उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग सीखते जाएंगे तो मैं उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ ड्रा करके बता दूंगा कि ये है, मैं मुझे वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अच्छी बात होगी, आप लोग जल्दी सीख जाएंगे, और आप लोग जैसे जैसे सीखते जाएंगे आप लोगों को खुद भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी कि हम लोगों को काफी हद तक सीखने को मिल रहा है और आपको ट्रेडिंग में भी आसानी होगी। तो इस शेयर को देख लें जी, PAEL पार्क इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। तो मैंने इस शेयर को तकरीबन 9 के लेवल पे बाय करवाया था, 9 से लेकर 9.20 के दरमियान बाय कराया था। तो अब ये शेयर तकरीबन चल रहा है और तकरीबन 70-80 पैसे का तो गेन दे चुका है, उस दिन भी 9.98 पे गया था, तो और मेरे ख्याल में तो शेयर मेरा जो शार्ट टारगेट था वो तो अचीव हो गया था, प्रीमियम ग्रुप की कॉल है अलबत्ता। तो एक और चीज यार, मुझे एक और चीज याद आ गई है इस शेयर में, तो यहाँ पे ना एक पड़ रही थी इस शेयर के अंदर, एक मैंने आपको बताया था हार्मोनिक बैट पैटर्न बन रहा था, तो ये हार्मोनिक बैट पैटर्न था, उस दिन मैंने आपको डिस्कशन हुई थी मेरे साथ आपके साथ, तो ये जो इसकी लेग थी इस लेग के करीब ही ये गया है, यहाँ पे देखें ये जो लेग है ना, ये एरिया है ये वाला, तो इसी लेवल पे आया था ये शेयर, तकरीबन इसी लेवल पे आने के बाद इस शेयर ने परफॉर्म किया है, इस लेवल के बाद ये शेयर ऊपर की तरफ चला गया। तो अब जो मेरा हार्मोनिक बैट पैटर्न था, या कुछ लोग इसे एरो वाला पैटर्न कहते हैं, तो एरो वाला पैटर्न अगर कहा जाए या हार्मोनिक बैट पैटर्न भी कहा जाए तो भी ये पैटर्न अचीव हो रहा है। और अब हार्मोनिक बैट पैटर्न का तरीका क्या होता है कि ये शेयर यहाँ पे आके मजीद ऊपर की तरफ जाता है, मैं यहाँ पे एक एरो ड्रा कर देता हूँ कैसे जाता है, तो मैं आपको टेक्निकल्स बता रहा हूँ, अभी टेक्निकली ये होता है, अब ये शेयर मजीद इस लेवल की तरफ जाएगा, अपनी इस लेग को टच करेगा जो कि 12 पे है, तो होता तो ये है, बल अभी भी ये एक तकरीबन एक कंसोलिडेशन जोन ही है इसका, बल ये ब्रेकआउट मिला है इस शेयर को अभी इस कैंडल पे, और एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा।
अब ये कहाँ तक जा सकता है ये कहना तो बहुत मुश्किल है। एक आइडिया होता है मेरा, वो आइडिया मैं आपको जरूर दूंगा हमेशा की तरह। ये शेयर तकरीबन अभी 9.75 पे है, नेक्स्ट टारगेट इसका तकरीबन होगा जी हमारे पास 10.40 का। अगर ये 10.40 को क्रॉस कर गया तो देन मजीद ऊपर की तरफ जाएगा, और मजीद ऊपर कहाँ तक जाएगा, तकरीबन नेक्स्ट 10.80 हो गया, और देन उसके बाद हमारे पास टारगेट है 11.33, और 11.33 के बाद हमारे पास एक लास्ट जो सपोर्ट बनेगी, रेजिस्टेंस बनेगी, वो है 11.78, यहाँ पे से 11.80 भी कंसीडर कर सकते हैं। बहरहाल शेयर ने ऊपर जाना है, अभी ये शेयर आपको बहुत तगड़ा परफॉर्म करता हुआ दिखाएगा दिखाई देगा। RSI को देखें, RSI हमारे पास न्यूट्रल हो गई है, 50 पे पहुंच गया और अप ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये शेयर अभी बुलिश होने वाला है। MACD ने तकरीबन यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की थी और RSI ने तकरीबन हमारे पास इस लेवल पे बाय कॉल जनरेट कर दी थी। तो अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तो आप लोग अभी भी एंट्री ले सकते हैं और एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आपको देगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो बहरहाल एक्सपेक्टेड है कि आपको 20 दिन या फिर एक आध महीने के अंदर अंदर, एक महीना, डेढ़ महीना मोस्टली, क्योंकि 15-1 महीना तो ऐसे मेरे ख्याल में ये स्टेट इस शेयर का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था वो तकरीबन हमारे पास स्टार्ट हुआ था 3 अगस्त, और 3 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तकरीबन 1 महीना लगा है। तो 1 महीना अगर नीचे आने में लगा है तो अभी तो 1 महीना वैसे ही गुजर गया, 1 महीना कंसोलिडेशन जोन में गुजर गया है। तो 22 सितंबर से लेकर आप 22 अक्टूबर तक तो देखें, अक्टूबर तक अगर ये शेयर जाता है 11 से ऊपर तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आपको गेन इस शेयर में मिल जाएगा। चलते हैं जी अगले शेयर पे। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास अटलस हुंडा ATLH। ATLH के बारे में अगर मैं आपको इतना कहूंगा कि ATLH अभी हमारे पास बुलिश होने वाला है, बीरिश होने वाला है सॉरी। तो ये देखें ओवरऑल इसका जो ट्रेंड था वो हमारे पास डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ से जो एक ट्रेंड हमें मिला था यहाँ से ऊपर गया था RSI, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 58 पे गई थी और RSI अब मजीद नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई है। RSI 54-45 पे गई थी, देन मजीद ऊपर गई 52 पे और देन अब मजीद नीचे आने की कोशिश ये शेयर कर रहा है। बल एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक कैंडल डाउन रेड कैंडल पड़ी थी 290 से लेकर 275 तक। तो अगर अब आप लोग कहते हैं कि हमने इस शेयर को बाय करना है तो आप लोग कहाँ पे बाय करेंगे, आप लोग कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए 240 के लेवल पे बैठेंगे। तो आप लोगों ने कम से कम 240 के लेवल पे इस शेयर को बाय करना है और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। शॉर्ट टर्म के लिए 250-300 रुपए वाले शेयर में मैं आपको कभी एंट्री लेने को नहीं कहूंगा, और शॉर्ट टर्म के लिए और या फिर इंट्राडे के लिए ऐसे शेयर के अंदर मूवमेंट बनती ही नहीं है। अगर फर्ज करें ये शेयर आप बाय कर भी लेते हैं, 250 का एक शेयर है, अगर आपको इस शेयर ने 15 रुपए गेन भी दे दिया तो आपको 100 रुपए के साथ आपको कितना गेन मिलेगा, आपको 90 रुपए मिलेंगे, 60 रुपए मिलेंगे, कितने सॉरी 60 रुपए मिलेंगे। तो 100 रुपए के साथ, 1000 रुपए के साथ आपको 60 मिल रहे हैं, तो फिर आप कितनी, आप 10 लाख की बाइंग करेंगे तब जाके आपको मिलेंगे। तो डे ट्रेडिंग तो आपकी बनती नहीं है इसमें, शॉर्ट टर्म आपकी ट्रेडिंग बनती नहीं है, इंट्रा आपकी बनती नहीं है। ऐसे शेयर्स में लॉन्ग टर्म एंट्री ली जाती है, और लॉन्ग टर्म एंट्री आप लोग कहाँ पे लेंगे, कम से कम 240 पे, कम से कम। इससे मजीद नीचे जाएगा तो आप लोग मजीद बाय कर लेना, तो करंटली कम से कम 240 पे आप लोग बैठे। एक्सपेक्टेड है कि शेयर मजीद नीचे आएगा, और RSI को देखें डाउनवर्ड भी है और अप ट्रेंड भी है, लेकिन अब यहाँ पे डाउनवर्ड और अप ट्रेंड दोनों कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत गेन दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं शेयर को नीचे देखना चाह रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म आप ये जब ये नीचे आएगा तो तब भी एंट्री बनाइएगा इसमें। 240 पे कम से कम बैठे, 240 पे आएगा तो एंट्री बनेगी आपकी और फिर आपको गेन भी मिलेगा इंशाल्लाह। और MACD को देखें, बड़ा ही अनकंडीशनल और अजीब सा लग रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, बड़ा इमेच्योर सा, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल RSI की बेस पे और इसकी प्राइस एक्शन की बेस पे और वॉल्यूम वगैरह की बेस पे, वॉल्यूम देखें इस पे 800 वॉल्यूम था, किस बंदे ने इंट्राडे ली है, किसी ने भी नहीं ली ना, लेट ट्रेडिंग किसने ले ली, किसी ने भी नहीं ली। तो जिसने भी ट्रेड ली है उसने एक बेस पे ली होगी, उसने कहा होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए, किसी ने शेयर निकाल दिए होंगे, उसे डर लगा होगा शेयर नीचे जा रहा है, बीरिश होने वाला है। बहरहाल डराना आपको मेरा मकसद नहीं है, शेयर मजीद नीचे आएगा तब बाय कीजिएगा। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे, और नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। तो एक्स डेट अब मुझे नहीं पता इस शेयर की हो गई है कि नहीं, POL आप लोग इसकी एक्स डेट देख लीजिएगा, 60 रुपए का डिविडेंड था। अगर इस शेयर की एक्स डेट गुजर गई है तो फिर शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है, अगर एक्स डेट नहीं हुई तो शेयर जल्दी नीचे आएगा। बहरहाल ये रही इसकी एक, आप यहाँ पे एक ड्रा कर लें ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के साथ चलते जाएं, जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता रहा है जा रहा है आप लोग जाते जाएं, और जब ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक करता गया तो आप लोग एग्जिट ले लें, सिंपल सी बात है। तो यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ अभी जा सकता है। तकरीबन MACD को देखें, यहीं पे MACD ने एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश की है,
अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक और जरा मैं चीज आपको दिखाता हूँ ऐड करके, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छी चीज है, कभी इस चीज को भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक कैंडल ये पड़ी थी हमारे पास 22 को, देन 21 को, देन उसके बाद 20 को। जो 20 को कैंडल पड़ी थी 20 तारीख को हमारे पास मूविंग एवरेज ने बाय कॉल जनरेट की थी, 20 तारीख को मूविंग एवरेज ने 20 तारीख को बाय कॉल जनरेट हुई थी, और तब ये शेयर मेरे ख्याल में 435 पे था। अभी भी मेरे ख्याल में आपकी रेंज में है, आप लोग बाय कर सकते हैं, आप लोग स्विंग्स के लिहाज से एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो करंटली ये शेयर तकरीबन 439 पे है और एक्सपेक्टेड है कि शेयर आपको मजीद गेन दे सकता है। और अगर देखा जाए आरएसआई को, और आरएसआई अब थोड़ा सा अप ट्रेंड लेने की कोशिश की आरएसआई ने, और आरएसआई अगर क्रॉस कर गई हमारे पास 55 को, आरएसआई अगर 55 को क्रॉस कर गई देन 60 को भी क्रॉस करेगी और 70 तक जाएगी इंशाल्लाह। अब आरएसआई 55 को क्रॉस करना आरएसआई का लाजमी है, तो एक्सपेक्टेड है कि शेयर आपको गेन दे सकता है। मैकडी ने बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश की है, आरएसआई ने एक स्ट्रॉन्ग यहां से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और शेयर ने भी यहां से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है तकरीबन 430 के लेवल से। एक्सपेक्टेड है शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कहते हैं कि शेयर की एक सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी बना दें, तो रेजिस्टेंस इसकी तकरीबन 450 की है, तो 450 तक ये शेयर आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमने बाय करना है, तो कहाँ पे बाय करें? लॉन्ग टर्म के लिए आपने एक तो इस लेवल पे बैठना है 417 के लेवल पे, 417 इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, देन इसके बाद इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है वो हमारे पास 402 पे बन रही है, और देन एक जो मजीद हमारे पास बन रही है वो तकरीबन 390 पे बन रही है। बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस शेयर को 390 से 400 के दरमियान देख रहा हूँ, कम अज कम 390 से 400 के दरमियान आएगा तो हम लोग एक लॉन्ग टर्म एंट्री इस शेयर के अंदर बना सकते हैं। मजीद अगर नीचे जाना चाहे तो 380 के लेवल पर भी जा सकता है। तो 380 से लेकर और 400 ये आपका बाइंग लेवल बनेगा, और लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। बल शेयर ने यहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है और 450 को ये शेयर टच कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। अब जरा इसे एक 1 आवर जो चार्ट है ना उस पर भी देख सकते हैं। तो 1 आवर चार्ट से मुझे याद है एक भाई ने कहा था कि आप वीडियो एक बनाएं कि किसी भी शेयर को किस फ्रेम पे देखा जाए, 1 आवर पे देखा जाए, 1 डे पे देखा जाए, वीकली पे देखा जाए, मंथली पे देखा जाए, या फिर 1 आवर पे देखा जाए, 30 मिनट्स पे देखा जाए, 5 मिनट्स पे देखा जाए, और 15 मिनट्स पे देखा जाए, या फिर 30 मिनट्स पे देखा जाए। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप स्विंग्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप उसे डेली पे भी देखेंगे और वीकली पे भी देखेंगे और मंथली पे भी देखेंगे, लेकिन अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप डेली यूज करेंगे या फिर 1 आवर चार्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर आपको एक मिनट की भी चार्ट देखना पड़ेगा, 5 मिनट का भी देखना पड़ेगा, और आपको 15 मिनट का भी चार्ट देखना पड़ेगा, और 1 आवर का भी चार्ट देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी जरा। और अभी अगर मैंने आपको वही बात कर रहा था मूविंग एवरेज की, तो मूविंग एवरेज ने अभी भी बाय कॉल जनरेट की हुई है, तो मूविंग एवरेज के लिहाज से आप अभी भी शेयर के अंदर इन हैं, और मैकडी के लिहाज से अभी भी आप शेयर के अंदर इन हैं, और आरएसआई भी अभी मजीद मेरे ख्याल में डेली बेस पे मेरे ख्याल में 70 को क्रॉस कर सकती है। एक्सपेक्टेड है कि शेयर आपको मजीद गेन दे सकता है। आगे चलते हैं जी और जरा नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं जी। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास पिपटल। तो यार एक तो मैं कहूँ कि ये शेयर बड़ा ही वोलेटाइल हुआ पड़ा है आजकल, पता नहीं चल रहा है, शेयर कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है। बल कोई बात नहीं, शेयर अपनी एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे है और एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर भी है। कल इसने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर क्लोजिंग दे जाता तो बहुत अच्छी बात थी। अगर इसके ऊपर एक कैंडल चली जाती ना यहाँ पे कम अज कम 3.90 पे चली जाती कैंडल, तो मैं कहता हूँ कि भाई बहुत तगड़ा शेयर है, परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन अभी हमने एक्सपेक्ट करना है कि ये शेयर कम अज कम 3.90 पे हमें क्लोजिंग दे। अभी ये कंसोलिडेशन जोन है और वॉल्यूम भी देख लें, उस दिन तकरीबन 2.1 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया था इस जुमे को। और RSI को देखें, RSI हमारे पास 47 पे पहुंच गई है, RSI ऊपर की तरफ जा रही है, RSI ने ऊपर की तरफ जाना है। और अगर आप MACD को देखें तो MACD ने तकरीबन यहां पे बाय कॉल जनरेट की थी, तब ये शेयर तकरीबन हमारे पास था 3.68 पे था, और अब ये शेयर चला गया है तकरीबन हमारे पास 3.72 पे, और 3.82 को ये शेयर टच कर चुका है। तो अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे पास है तकरीबन 3.86 का, और देन आगे देखेंगे मजीद
क्या होता है शेयर में। बल जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा गेन आए, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस शेयर को तकरीबन 4 तक तो आप होल्ड करें। 4 के बाद देखेंगे, शेयर जब चलने लग जाए वॉल्यूम की बेस पे तो शेयर बहुत तगड़ा चल जाता है, पता ही नहीं चलता, PIA की तरह। तो चलने पर तो आ गया तो बहुत अच्छा चलेगा। देन आप 4.38, और देन इसके बाद इसकी एक और हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है 4.54। तो बहरहाल ये तीन मैंने आपको ड्रा कर दी हैं, तो इस पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर आप इससे पहले कहते हैं कि एक और रेजिस्टेंस ड्रा करके दें, तो वो आप लोग तकरीबन 3.95 की ड्रा कर सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो 3.95 पे भी एग्जिट ले सकते हैं। बल मेरे पास भी है, कुछ शेयर पड़े हैं, तो मैं तो अभी वेट में हूँ कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगते हैं, तो कोई बात नहीं, होल्ड किए रखूंगा और तकरीबन 4.5 तक या 4.30 तक, 4.50, 4.40 तक इस शेयर को निकाल दूंगा। चलते हैं जी जरा नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास MCB। MCB बहुत ही तगड़ा शेयर है और अभी एक बाय कॉल जनरेट हुई है यहीं पे। मैकडी ने बाय कॉल जनरेट कर दी है और RSI ने भी तकरीबन एक बाय कॉल जनरेट कर दी है। RSI अभी हमारे पास पहुंच गया तकरीबन 45 पे, और RSI अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, और मैकडी ने तकरीबन हमारे पास बाय कॉल जनरेट कर ही दी है, बिल्कुल कल ही किया, जुमे वाले दिन। तो ये वीडियो आपको आतवार वाले दिन मिलेगी। तो अब इस शेयर ने जो एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, वो तकरीबन इस लेवल से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है इस शेयर ने। बल अगर ये शेयर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी बात है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि शेयर अब मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर जो कहते हैं कि लोग हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, उनके लिए क्या सपोर्ट बन रही है, उनके लिए क्या बाइंग लेवल है। एक इसका बाइंग लेवल हमारे पास तकरीबन 118 पे बन रहा है। सॉरी यार, ये मैं दूसरा ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी थी। तो एक इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है तकरीबन 120, आप कर लें 120 पे बन रहा है। मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए मैं रेड लाइन यूज करता हूँ और रेजिस्टेंस के लिए ग्रीन यूज करता हूँ। नेक्स्ट इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है वो हमारे पास 113 पे बन रही है, और देन एक और हमारे पास सपोर्ट है वो तकरीबन 110 की है। बहरहाल 113 से लेकर 115 इसका एक सपोर्ट जोन बन रहा है, बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना सपोर्ट जोन है 113। पर 113 को आप लोग जेन में रखें, 113 पे अगर ये शेयर आता है लॉन्ग टर्म के लिए, आप लोग इसे बाय कर सकते हैं और चुप करके होल्ड कर लीजिएगा शेयर को, आएगा तो सही शेयर। अब देखें अब ये शेयर कितना गेन देता है। अब जो गेन इसने देना था लॉन्ग टर्म, वो गेन तो हमें अब शेयर दे चुका है। अब अगर ये गेन देगा तो शॉर्ट टर्म ही देगा। नेक्स्ट टारगेट इसका तकरीबन 132 है, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट इसका 132 हो सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका तकरीबन हमारे पास 137 हो सकता है, और 137 के बाद अगर ये मजीद ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल में तकरीबन 140 हो सकता है। तो बल ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए ये इसकी तीन रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी हैं, और लॉन्ग टर्म की मैंने सपोर्ट भी बता दी है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस भी ड्रा करके दें, तो सिंपल सी बात है, 146 और देन 150, बस इससे ज्यादा कुछ बात होगी नहीं। अब इससे नीचे हम लोग बात करेंगे नहीं शेयर पे, शेयर तगड़ा है यार, बैंकिंग सेक्टर वैसे ही हमारा बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि ये शेयर इन फ्यूचर आपको दिखाई देगा, ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल जरे से 1 आवर पे देख लेते हैं कि 1 आवर क्या कहता है। 1 आवर पे ये शेयर हमारे पास बुलिश हो चुका है, और 1 आवर पे ये शेयर हमारे पास तकरीबन 69 पे है, और अभी 80 की तरफ जाएगा, 70 को क्रॉस करेगा देन 80 पे जाएगा। तो 1 आवर के लिहाज से मेरे ख्याल में इस शेयर को तकरीबन 132 को क्रॉस करके और 137 तक कम अज कम जाना चाहिए, कम अज कम। बल 132 तो मस्ट है ना, 137 तक जाता है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन 132 को इसे सोमवार वाले दिन ही क्रॉस कर लेना चाहिए। चलते हैं जी जरा नेक्स्ट शेयर पे। आज जरा शेयर कुछ ज्यादा ही हो गए हैं वैसे। अब बात करते हैं निशात मिड लिमिटेड की। सबसे पहले निशात मिड लिमिटेड ने MACD के लिहाज से यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की थी, और ये कॉल जनरेट की थी तकरीबन 59 के लेवल पे, 59 पे जब ये शेयर था। और ये शेयर मैंने आपको तभी कहा था, आप अगर वीडियो पुरानी देख लें, मैंने 59 के लेवल पे आपको कहा था कि अगर ये शेयर 60 को ब्रेक करता है तो ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो लोग अकलमंद थे उन्होंने स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की होगी 60 पे, उन्होंने स्टॉप लॉस लगा के 60 पे बाइंग कर ली होगी, आगे उनकी मर्जी है, आप लोग बाई करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरा काम था ट्रेड आइडिया देना, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा था, मेरा आइडिया गलत भी हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल ये जो 157 का लेवल था ना, ये 157 का लेवल सॉरी, इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है। तो 57 की जो सपोर्ट थी, इससे शेयर ने ऊपर जाने की कोशिश की है, और ये शेयर अभी पहुंच गया 60 पॉइंट और 70 पे। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसकी सपोर्ट बता देता हूँ।
57 पे तो सपोर्ट है ही सही, देन हमारे पास एक 55 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और देन 55 के बाद एक और सपोर्ट हमारे पास 52 पे बन रही है, और 52 के बाद एक लास्ट सपोर्ट है हमारे पास तकरीबन हमारे पास 48 के लेवल पे। भले मैं यहाँ पे 49 ही क्लिक कर रहा हूँ, आप लोग इसे 48 ही समझिएगा, भले आप इसे 49 ही कंसिडर कर लें, मैं इसे दोबारा 49 कर देता हूँ, आप लोग इसे 49 कंसिडर कर लें, ये 49 की सपोर्ट है इसकी, देन हमारे पास 52 की है और 55 की है। इन तीन सपोर्ट के दरमियान आप लोग शेयर को अकेमुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। शेयर अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, डिविडेंड दे या ना दे, कैपिटल गेन ये शेयर जरूर देता है। बहरहाल ये शेयर अगर 55 तक आता है तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग आप सपोर्ट बनती है, इसकी बाइंग लेवल भी बनता है और सपोर्ट के तौर पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 57 का इसका एक सपोर्ट जोन है। अब अगर आप कहते हैं कि इस शेयर के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है अभी, तो आप लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें, इस लेवल पे इस ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें और इस ट्रेंड लाइन के साथ मूव करते जाएं। जैसे ही नीचे कैंडल पड़ी, रेड कैंडल पड़ी, ब्रेकआउट मिलता गया, आप लोगों ने एग्जिट ले लेना है, तो स्टॉप लॉस के साथ चलना है। बहरहाल ये शेयर मुझे मजीद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, और अब शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर कहाँ तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास 63, तो 63 इसकी एक रेजिस्टेंस है, और 63 के बाद अगर ये शेयर जाएगा तो 66 पे जाएगा, तो ये इसकी अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको दो रेजिस्टेंस ड्रा कर दी है कि इस लेवल पर ये जा सकता है, चांसेस हैं। अब मार्केट के कोई बुरी न्यूज आ गई, शेयर के लिहाज से कोई बुरी न्यूज आ गई, तो यार मेरे टेक्निकल्स कुछ भी नहीं है, किसी काम के भी नहीं है। तो टेक्निकल्स को भी सपोर्ट करने के लिए आपको न्यूज चाहिए होती है। तो अब उम्मीद है शेयर 63 को ब्रेक करेगा, और देन चांसेस होंगे कि 67 को भी ब्रेक कर जाए। RSI इसकी पॉजिटिव है, RSI हमारे पास पहुंच गई है तकरीबन 48 पे, RSI अब 60 की तरफ जाएगी, RSI अगर 60 पे जाती है तो मेरे ख्याल में ये शेयर हमारे पास 65 के लेवल पर चला जाएगा, और MACD ने भी हमारे पास बाय कॉल जनरेट कर दी है, और MACD का जो हिस्टोग्राम है वो भी हमारे पास ग्रीन जोन स्टार्ट हो गया और पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है मुझे शेयर में। बहरहाल मैंने आप लोगों को इस लेवल पे सजेस्ट किया था जब ये शेयर तकरीबन 59.86 पे था, कि यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं, तब ये शेयर 59 को भी टच किया था उस दिन, तो 59 पे अगर आप लोग बाय करना चाहते थे तो आप लोगों ने किया होगा। तो मैंने जिन भाई ने मुझसे कहा था कि हम रिस्क लेना चाहते हैं व्हाट्सएप इनबॉक्स में, तो मैंने उन्हें कह दिया था कि यार बाय कर लें, कोई मसला ही नहीं है, बाय कर लें, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी रखें 57-58 का, तो 57 का मैंने स्टॉप लॉस भी बता दिया था। आगे चलते हैं जी जरा नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास निशाद चुनिया लिमिटेड। यार मैं कह रहा हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल जनरेट हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, चुप करके बाय कर लें। शेयर अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है और साल की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, ये नहीं कि मतलब एक महीने की है या फिर वीकली है, साल की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे शेयर मूव कर रहा है, और एक बाय कॉल जनरेट हुई है, बाय कॉल जनरेट किया हमारे पास MACD ने एक शेयर में बाय कॉल जनरेट कर दिया यहाँ पे, और ये तकरीबन 21 तारीख को जनरेट किया है, 21 को तकरीबन जनरेट किया है बाय कॉल, और MACD ने बाय कॉल जनरेट किया, RSI ने भी बाय कॉल जनरेट कर दिया है, RSI ने एग्जैक्ट 29 और 30 से अप लिया हमारे पास, और अभी RSI पहुंच गई है 37 पे, मैं तो शेयर में जरूर बाइंग करवाना चाहूंगा। तो शेयर पे जो रेड कैंडल पड़ी थी वो हमारे पास बहुत बड़ी पड़ी थी, लेकिन शेयर अभी एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन शेयर का चल रहा है, तो वो कंसोलिडेशन जोन हमारे पास तकरीबन यहीं पे है। अगर ये शेयर तकरीबन 20.5 को क्रॉस कर गया तो फिर आप लोगों को इस शेयर के अंदर बहुत तगड़ा गेन देखने को मिल सकता है। बहरहाल उम्मीद है कि ये शेयर तकरीबन 20 पॉइंट और 50 को क्रॉस करेगा और एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बनती है इस शेयर के अंदर। तो RSI भी मैंने आपको बता दिया, MACD के बारे में बता दिया, और कैंडल का भी बता दिया कि कैंडल बहुत अच्छी पड़ी है, लेकिन एक छोटा सा हमारे पास कंसोलिडेशन जोन भी है। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम तकरीबन इसे जो पड़ा था आखिरी दिन तकरीबन 2 लाख का पड़ा था, 2,01,000 का वॉल्यूम था, अच्छा वॉल्यूम था, इतना बुरा भी वॉल्यूम नहीं पड़ा कि हम कहें कि बहुत ही बुरा वॉल्यूम है। अब जरा इसे 1 आवर चार्ट पे देख लेते हैं, 1 आवर हमें क्या कहता है। तो 1 आवर में थोड़ा सा पॉजिटिव है शेयर, और 1 आवर में शेयर अभी पहुंच गया 55 पे, और तकरीबन ये शेयर हमारे पास बुलिश ही है 1 आवर में। तो 1 आवर में शेयर आपको गेन दे सकता है, 1 आवर में कहाँ तक दे सकता है, एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 21 तक ये शेयर आपको गेन दे सकता है। बहरहाल 21 को क्रॉस कर गया तो ये शेयर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर इसके अंदर कोई डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करते हैं
तो डाइवर्जेंस, एक छोटी सी डाइवर्जेंस है, हिडन डाइवर्जेंस है, प्राइसेस नीचे आ रही हैं और आरएसआई हमारे पास बिल्कुल इक्वल है, तो एक्सपेक्टेड है ये शेयर हमें गेन दे सकता है। बहरहाल है, एक तो फायदा हुआ है कि आप लोगों ने मुझे याद दिला दिया कि मुझे भी ग्रुप के लिए बाय कॉल जनरेट करनी है प्रीमियम के लिए, और काफी सारे शेयर मुझे यहीं से मिल जाते हैं एनालिसिस करते वक्त। तो अभी जब मैं जब 25 शेयर को स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई बाय कॉल तो मिल ही जाएगी ना अंदर से अपने ग्रुप वालों के लिए भी। आगे चलते हैं जी जरा और नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास निषाद चुनिया पावर लिमिटेड। तो निषाद चुनिया पावर लिमिटेड एक तो पावर सेक्टर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस शेयर के बारे में मैंने आपको एक बात पहले कही थी कि ये जो गैप है, ये गैप हमारे पास क्लियर होना है, और वो गैप क्लियर हो गया। देख लें, गैप अब तकरीबन क्लियर हो चुका है, बल्कि हो गया है, क्रॉस कर चुका है कैंडल को, तो गैप क्लियर हो गया है। अब शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, और अभी मैकडी को देखें, मैकडी ने तकरीबन यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की थी जब इस शेयर की प्राइसेस हमारे पास 20 पे थी, तो 20 पे शेयर ने बाय कॉल जनरेट की थी, और अभी ये शेयर तकरीबन 20.70 पे है, 20.70 पे है। तो आरएसआई को देखें, आरएसआई अभी पहुंच गई है हमारे पास तकरीबन 55 पे, आरएसआई अभी 60 को टच करेगी, और देन उम्मीद है कि आरएसआई 70 को क्रॉस करेगी, जरूर करेगी। और पिछला इसका ट्रेंड देखें, 1, 2, 3, 4 और 5, पिछले 5 बारियों में से, पिछली 5 बारियों में से जब भी आरएसआई गई है 60 से ऊपर, आरएसआई ने 4 दफा, 6 दफा, 6 में से, सॉरी एक यहाँ पे है, यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ, तो 6 में से 5 दफा आरएसआई ने 70 के लेवल को क्रॉस किया है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर की जो आरएसआई है वो ऊपर जाएगी और हमें गेन मिलेगा। अब अगर आप कहते हैं कि हमने एंट्री लेनी है, अभी लेनी है एंट्री, तो यहाँ पे एक आप लोग एक लगा दें, ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें और एंट्री ले लें, और चुप करके देखते जाएं कि शेयर कहाँ पे जाता है, और जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है आप लोग एग्जिट ले लें। बहरहाल डे ट्रेडिंग इस शेयर के अंदर अभी होगी, अभी लॉन्ग टर्म एंट्री तो नहीं बनती है। और अगर 1 आवर पे देखा जाए, और 1 आवर में शेयर कहाँ तक जा सकता है, तो 1 आवर पे भी देख लेते हैं। तो 1 आवर पे गैप तो तकरीबन क्लियर हो गया, नेक्स्ट टारगेट इसका तकरीबन हमारे पास 22 हो सकता है, 22 आप लोग कह सकते हैं 22, लेकिन मैं जरा इसे नीचे रखना चाहूंगा, 21.85, 21.85 आप लोग कह सकते हैं कि 21.85 की तरफ ये शेयर जा सकता है। अगर इससे नीचे भी आप लोग एक ड्रा करना चाहें अपने आप के लिए, ताकि इतना ज्यादा रिस्क ना रहे, तो आप इस रेड कैंडल के मुताबिक ड्रा कर सकते हैं, ये बनेगा तकरीबन 21.20 पे तकरीबन, बल मैं इसे 21.20 ही कर देता हूँ, ये मैंने इसे 21.20 कर दिया। तो 21.20 और देन हमारे पास 21.85 शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर जा सकता है, और जो 22 का टारगेट है वो भी अचीव कर सकता है ये शेयर। अभी शेयर के अंदर कैपेसिटी है वैसे इतनी। अभी कल देखें, जो कल की कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये शेयर तब ऊपर जाएगा जब हमारे पास कल की कैंडल अच्छी पड़ेगी। तो कल अगर स्टार्टिंग में ही हमारे पास शेयर के अंदर वॉल्यूम पड़ने लग गया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। बहरहाल अगर आप कहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग बाय करें अभी। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों ने बाय करना है, तो करंटली आप लोग कम से कम 15 के लेवल पे बैठे, कम से कम 15 के लेवल पे आप लोग बैठे, और 15 के लेवल पे आएगा ये शेयर। अगर आपसे इंतजार नहीं होता 15 के लेवल से, तो आप लोग एक रीजन बना लें, 17 कर लें, 15 से 17, 15 से 17 के दरमियान एक सपोर्ट बना लें, उस सपोर्ट पे आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर ये मजीद नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो मेरे ख्याल में तकरीबन 13 के लेवल तक ये शेयर आ सकता है, और इनशाला आपको दिखाई भी देगा इन फ्यूचर। तो अभी थोड़ा बहुत गेन दे रहा है, गेन लें, जब नीचे आएगा तो आप लोग बाय कर लीजिएगा लॉन्ग टर्म। अभी शॉर्ट टर्म जो एंट्री लेना चाहता है वो ले ले। चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास एमसीबी, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। मुस्लिम कमर्शियल बैंक पहले डिस्कस तो नहीं हो गया यार, देख लें जरा, मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले डिस्कस तो नहीं कर दिया कहीं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, POL, देन पिपटल, देन एमसीबी। यार ये पहले डिस्कस हो चुका है, माजरत, मैंने दोबारा खोल लिया है, मेरे जेहन में आ गया था कि मैंने एमसीबी को एक दफा डिस्कस कर लिया, इसलिए इसे अब कैंसिल कर देते हैं और अगले शेयर पे चलते हैं जी। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास एयरलिंक। एयरलिंक के बारे में अब गुजरा कर लेते हैं, एयरलिंक क्या कहता है हमें। तो एयरलिंक सबसे पहले तो इसकी एक सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं, कि जिस सपोर्ट से ये शेयर रेजिस्ट कर रहा था, शेयर इसकी सपोर्ट बन रही थी तकरीबन 21.60 की, तो 21.60 से ये शेयर रजिस्ट कर रहा था, और देन हमारे पास एक सपोर्ट मजीद बनेगी हमारे पास तकरीबन 20 के लेवल पे। तो 20 के लेवल पे अगर ये शेयर चला जाता तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात थी, और देन एक और सपोर्ट बनेगी 18.20 की। इससे अगर आप लोग 18 कर देंगे ना, तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा।
अगर 18 कर देंगे तो काफी काफी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में। 18, 20 और देन 21.60 या 50, आप लोग जो भी समझे, तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है। तो अभी इस सपोर्ट जोन पे ये शेयर रेजिस्ट कर रहा है। अगर ये 21.50 को ब्रेक करेगा, मैं इसे 21.50 कर देता हूँ, तो अगर ये 21.50 को ब्रेक करेगा देन हम कहेंगे कि ये शेयर अब बीरिश होने वाला है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर बीरिश के हमें आसार नजर नहीं आए हैं। तो अगर ये शेयर ब्रेक करेगा इसे, तो फिर तो हम कहेंगे कि बेरिश होने वाला है। बहरहाल इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बाय कॉल अभी जनरेट नहीं हुई है। मैकडी ने तकरीबन यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश की है छोटी सी, और आरएसआई ने भी हल्का सा हमें गेन देने की कोशिश की है। यार मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर लूँ, तो इसका कलर बड़ा अजीब सा है, तो मैं इसे ज़रा रेड कर देता हूँ, ठीक हो गया, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझ आए। तो ये असल में कलर मुझे चेंज हो गया था। तो अभी मैंने आरएसआई को यहाँ पे देखें, आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रही है, और आरएसआई अभी तकरीबन हमारे पास बुलिश हुई है थोड़ी सी, और थोड़ा सा गेन एक्सपेक्टेड है। आरएसआई तकरीबन 48 पे पहुंच गई है, और हमारे हमारे पास अगर देखें वॉल्यूम की बात करें, तो आखिरी दिन तकरीबन 8,80,000 का वॉल्यूम था। कुछ लोग जो फंसे हुए थे, उन लोगों ने कहा कि शेयर से एग्जिट ले लो यार, अच्छा है। बहरहाल वो आप पे डिपेंड करता है, आप लोग एग्जिट लेते हैं कि नहीं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाय करना चाहता है, तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिए हैं। अगर कोई सेल करना चाहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, उसकी हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बनेगी, एक बनेगी 24.50 की, और देन हमारे पास बनेगी तकरीबन 26 की। कंपनी तो वैसे अच्छी है यार, ऐसी कोई बात नहीं है कंपनी में बना गया, कंपनी बुरी अच्छी है, फंडामेंटल्स भी और टेक्निकली भी, और देन 28 की। अब जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं कि 1 आवर पे क्या कहता है। तो 1 आवर पे ये मैंने इसे जूम कर लिया है, और 1 आवर पे ये शेयर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इसे मैं जरा अगर एग्जिट कर लूँ तो बेहतर होगा, जूम आउट कर लूँ। बहरहाल अभी तक यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट हुई थी हमारे पास इस कैंडल पे, जब ये कैंडल हमारे पास तकरीबन ये शेयर हमारे पास 21.22 पे था। उसके बाद अब ये शेयर पहुंच गया है तकरीबन हमारे पास 22.66। तो मेरे ख्याल में 21 से सॉरी यहाँ पे का प्राइस थी 22 से लेकर 22.6, 60 पैसे का तो गेन आपको ये तब से लेकर अब तक ये शेयर दे चुका है। और अब एक्सपेक्टेड है कि शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये इसकी एक सपोर्ट थी छोटी सी हमारे पास 22.50 की, 22.50 की, उसे इस शेयर ने ब्रेक किया है। और अब एक्सपेक्टेड है इस शेयर ने, वैसे अगर देखा जाए आरएसआई इसकी तकरीबन एग्जैक्ट 69 से नीचे आ गई है, तो अभी तक वैसे एग्जिट तो नहीं लेना चाहिए, आप लोगों को वेट कर लेना चाहिए। अगर आपने स्टॉप लॉस लेना हुआ तो 21 पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। डे ट्रेडिंग मैं कहता हूं कि इस शेयर से अभी ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि एक तो ये शेयर अपनी कंसोलिडेशन जोन में है, इतना आपको गेन भी नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे ही अगर आप कंसोलिडेशन जोन भी ड्रा कर दें, तो वो भी ड्रा करके यहाँ पे मैं दे सकता हूँ आपको। आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोग ट्रेड लें ना लें। मेरे पास जिन लोगों ने बाय किया हुआ था ऑलरेडी पोर्टफोलियो में या प्रीमियम में, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया हुआ है कि आप लोग अभी होल्ड करें, और अगर मजीद नीचे आएगा तो और बाय कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, इतनी कैश तो आप लोगों के पास होनी ही चाहिए। आगे चलते हैं जी, और जरा नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास GGL, हनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड। तो इस शेयर की एक जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो हमारे पास तकरीबन है 9 के लेवल पे, और ये शेयर उसी लेवल पे मूव कर रहा है। उस लेवल से शेयर ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, और कंसोलिडेशन जोन में बाइंग ही होती है। आखिरी दिन तकरीबन 8,68,000 का, 8,68,000 का तकरीबन हमारे पास वॉल्यूम पड़ा है, अच्छा वॉल्यूम था, और इसमें भी अभी तक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। यहाँ से तकरीबन एक कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट हुआ है, और अभी तक ये शेयर का कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। तो बहरहाल ये शेयर कहाँ तक नीचे आ सकता है, अगर ये शेयर मजीद नीचे आना चाहे तो मेरे ख्याल में 8.70 तक ये शेयर आ सकता है। अगर 8.70 पे आता है तो आप लोग एंट्री इस शेयर के अंदर बना सकते हैं, मजीद बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपने रखना है तो आप लोग 8.50 पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 8.50 से अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो देन मजीद नीचे जाएगा, तो जब मूव बनेगी तो आप लोग एंट्री ले लीजिएगा। पर तकरीबन यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट हुई थी, आरएसआई ने यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की थी जब ये शेयर 9.20 पे था तकरीबन। तो अभी ये शेयर 9.23 पे है, और अगर इसकी आरएसआई को देखें, आरएसआई ने एग्जैक्ट अप ट्रेंड हमारे पास लिया है। आरएसआई ओवरसोल्ड इसकी हो गई थी, आरएसआई ने तकरीबन 18 से अप ट्रेंड लिया है, और अभी इसकी आरएसआई हमारे पास तकरीबन 40 के लेवल पे पहुंच गई है, और अब आरएसआई ऊपर की तरफ जाएगी। मैकडी भी पॉजिटिव है, आरएसआई भी पॉजिटिव है, और हमारे पास कैंडल्स भी पॉजिटिव है। अब हमें एक चीज हमें जो चाहिए वो हमारे पास चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता गया ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे भी एक हार्मोनिक बैंड पैटर्न बन रहा है, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ कि हार्मोनिक बैंड पैटर्न कैसे बन रहा है।
तो ये पैटर्न यहाँ पे इसकी एक लेग लग रही है, एक लेग यहाँ पे लग रही है, और देन एक लेग तकरीबन ये यहाँ से ऐसे इसका विंग बन रहा है, और ये यहाँ से इसके विंग के साथ या लेग के साथ, कुछ लोग विंग कहते हैं कुछ लोग लेग कहते हैं, वो आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो कहना चाहें, पैटर्न एक ही है। कुछ लोग इसे हार्मोनिक बैट पैटर्न कहते हैं, कुछ लोग इसे बो एंड एरो कहते हैं, बहरहाल ये यहाँ पे इसका एक पैटर्न बन रहा है, इस तरह का कुछ पैटर्न है। और इस तरह का पैटर्न जब भी बनता है, इस तरह का पैटर्न परफॉर्म करता हुआ आपको देखो, और मैंने देखा है काफी ज्यादा शेयर में ऐसा पैटर्न बन रहा है। ईपीसीएल में ऐसा पैटर्न बना था लेकिन ईपीसीएल की सपोर्ट टूट गई, तो ऐसा ही हो रहा है तकरीबन काफी शेयर में ऐसा पैटर्न बन रहा है। ये भी कंसोलिडेशन जोन है, जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलेगा, अब ब्रेकआउट कहाँ पे मिलेगा, मैंने तो ऑलरेडी एंट्री ले ली थी पहले की, तो मैंने कहा ब्रेकआउट तो ऊपर मिलेगा ना, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन हमें अगर ब्रेकआउट मिलता है 9 पॉइंट तकरीबन 60 के लेवल पे, 9.65 आप लोग इसे कर लें, मैं इसका कलर यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, तो 9 पॉइंट और 65 के लेवल पे जैसे ही हमें इस शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट मिलेगा, हम लोग एंट्री ले लेंगे शेयर के अंदर। आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, और हर चीज इस शेयर की पॉजिटिव है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब, बीओपी। अब बीओ के बारे में मैंने बाय कॉल तो नहीं जनरेट की थी पहली बात, और मैंने इस शेयर के बारे में बताया था कि शेयर ने तकरीबन यहाँ से एक सपोर्ट ली है, और देन इस शेयर ने सपोर्ट ली है तकरीबन यहाँ के लेवल से, तो दो सपोर्ट ली है इस शेयर ने, दो सपोर्ट थी, और इसने 3.42 से सपोर्ट ली है, और 3.42 से इस शेयर ने अप की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया था। तो अब जो मेरे पास प्रीमियम में बंदे थे, मैंने उन्हें सिर्फ बाय कॉल तो नहीं दी थी, मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा था 3 पॉइंट और तकरीबन 55 के लेवल से, 3.55 से लेकर 3.60, 3.60, 3.50 से लेकर 3.60 के लेवल से तकरीबन मैंने कहा था कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, और मैंने उन्हें ये भी चीज कही थी कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, जो मेरी उम्मीद थी शेयर के बारे में, ये शेयर तकरीबन 4 पॉइंट और 15 के लेवल तक जा सकता है, कम अज कम, कम से कम इस शेयर तक, इस लेवल तक जा सकता है। अगर मजीद, अगर अगर थोड़ा डाउन में आना चाहूँ कहाँ तक जा सकता है, तो 4 का लेवल मैंने सजेस्ट किया हुआ था उन्हें। अब 4 के लेवल पे जाता है या 4.15 के लेवल पे जाता है वो बात की बात है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए मैंने उन्हें बता दिया था, मुझे नहीं लग रहा कि ये शेयर तकरीबन 4.70 के लेवल की तरफ जाएगा। इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने बता दी है, और अगर आप इसे मजीद अगर होल्ड करना चाहते हैं थोड़ा कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, तो 4.30 जो मुझे अभी तो क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन पेनी स्टॉक का कोई नहीं पता, लोग वॉल्यूम डाल दें, और देन हमारे पास 4.60, और 4.60 के बाद देन हमारे पास 4.84, तो इन लेवल तक ये शेयर आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैकडी ने तकरीबन यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की थी जब ये शेयर हमारे पास तकरीबन था जी 3.55 के लेवल पे, और मैकडी अभी पॉजिटिव हो गया, और आरएसआई को देखें अभी तकरीबन 55 पे पहुंच गया है, और आरएसआई अभी हमारे पास बुलिश हो गई है, और आरएसआई ने भी ऊपर जाना है, और कम से कम ये शेयर 4 को टच करेगा इंशाल्लाह। तो 1 आवर पे भी जरा देख लेते हैं, तो 1 आवर पे भी ये शेयर हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश नजर आ रहा है, कैंडल अच्छी बड़ी थी, वॉल्यूम अच्छा था, 1 मिलियन का वॉल्यूम था, और मैकडी भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा रहा है, आरएसआई भी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे, और नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास सैफ पावर लिमिटेड। सैफ पावर लिमिटेड के बारे में मैंने आपको एक चीज कही हुई थी कि ये जो हमारे पास गैप है यार, ये गैप कंफर्म जो है ना वो क्लियर होना है एक ना एक दिन, तो ये गैप जो है वो क्लियर हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे, ये शेयर आपको नजर आएगा 20 के लेवल पे, लेकिन डिविडेंड के करीब अभी नहीं जाने वाला। अभी अगर ये शेयर, अगर आप कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ तक जाएगा, या फिर एक्सपेक्टेशन कहाँ तक रखी जा सकती है, तो एक्सपेक्टेशन आप 20 के लेवल तक रख सकते हैं। अभी करंटली करंटली 19.50 कर लें आप लोग, तो मुझे लग रहा है 19.50 की रेजिस्टेंस तक ये शेयर जा सकता है। अब ऐसा लग रहा है कि इस शेयर ने तकरीबन इसी लेवल से 16.70 के लेवल से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, 16.70, 16.70 से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और रेजिस्टेंस इसकी कहाँ पे है, 19.50। एक बात सुने, ये शेयर डाउन इतना क्यों आया था, वजह ये थी इस शेयर की जो हमारे पास क्वार्टरली अर्निंग थी वो हमारे पास नेगेटिव आई थी, और डिविडेंड भी मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत कम दिया था या बिल्कुल नहीं दिया था, ऐसा कुछ हुआ था, तो डिविडेंड शायद 1 रुपए का था या बिल्कुल नहीं था, डिविडेंड था सॉरी 12.2 रुपए का इनका डिविडेंड था, तो डिविडेंड कम आया था जिसकी वजह से ये शेयर हमारे पास गिर गया था, तकरीबन 20 से गिरा था,
और ये शेयर हमारे पास आ गया था तकरीबन हमारे पास 17 के लेवल पे, तो 3 रुपए गिर गया था। बल कंपनी अच्छी है, जब भी परफॉर्म करती है अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड देती है। तो मेरे ख्याल में सैफ में अभी करंटली एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कॉल जनरेट हो रही है। आप लोग यहाँ पे बाय करें और लॉन्ग टर्म के लिए कम अज कम 19 का लेवल रखें, और देन इसके बाद 21 का लेवल आप लोग जेन में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और 21 से पहले आप 19 इशारिया तक, 20 इशारिया और 40 के लेवल पे भी आप लोग अपनी रेजिस्टेंस रख सकते हैं। और देन अगर आप मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहें कि कंपनी जैसे अच्छा परफॉर्म करेगी, तो शेयर 21.55 पे भी जा सकता है। तो बहरहाल ये जो 4 रेजिस्टेंस और 4 ही सपोर्ट ड्रा करने का मकसद क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये शेयर कैसे ऊपर जाएगा और किस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, और किस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब एक्सपेक्टेशन शेयर की कहाँ पे है, 19.55 पे है। 19.55 को ब्रेक करेगा, महीने के अंदर करता है, 1.5 महीने के अंदर करता है, 2 महीने के अंदर करता है, तो देन हमारे पास कन्फर्म 20 है, और देन हमारे पास कन्फर्म 21 भी हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन कहाँ पे रखी जाए, 20 पे रखी जाए कम अज कम। शेयर लॉन्ग टर्म के लिए कम अज कम 20 पे जाएगा, तो अच्छा गेन दे सकता है। मेरे ख्याल में अभी बाइंग लेवल है, आप लोग इस शेयर के अंदर अभी बाइंग लेवल बना सकते हैं। अगर शेयर की मैकडी को देखें, मैकडी ने तकरीबन यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की थी जब ये शेयर मूव कर रहा था 17.11 पे, अभी भी बाय कॉल जनरेट है, अभी भी इतना ऊपर नहीं गया, अभी भी टाइम है। और अगर आप मैक आरएसआई को देखें तो आरएसआई अभी भी इसकी 37 पे है, अभी भी लोगों ने इस शेयर को इतना ज़्यादा बाय नहीं किया है। अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल में ये शेयर अभी भी ओवरसोल्ड ही है, 40 से नीचे होगा तो मैं उसे ओवरसोल्ड ही कंसिडर करूँगा। हालांकि वैसे तो 30 से नीचे ओवरसोल्ड किया जाता है, लेकिन मैं 40 से नीचे भी ओवरसोल्ड ही कहूंगा। अभी मेरे ख्याल में बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है और बाइंग प्रेशर जनरेट होता रहेगा। यहाँ पे इसका एक कंसोलिडेशन जोन आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये 17.50 को जब ब्रेक करता गया तो देन हमारे पास ये शेयर 19.50 की तरफ जाएगा। आगे चलते हैं जी, और जरा नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास यूनिटी। यूनिटी में तो यार बहुत ही तगड़ी मूव बनी थी, मैंने तो अपने प्रीमियम ग्रुप वालों से वाकई बाय करवाया हुआ था, और मैंने इसी लेवल पे बाय करवाया था, तकरीबन 22.50 के लेवल पे बाय करवाया था। और अब ये शेयर 25 पे पहुंच गया, तो 2.5-3 रुपए का तो गेन उन्हें दे चुका है। तो मैं तो उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए भी करवाया था, इंटर डे के लिए करवाया था, लेकिन इंटर डे का ये होता है, इंटर डे में अगर आपकी एक कॉल लग जाए यूनिटी में आप दोबारा बाय कर लें। तो मैं 2-3 दफ़ा बाय करवा ही चुका हूँ। पर अब ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर का जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे पास 26.80 कर लें आप इसे, 26.80 का है। अब उम्मीद है कि शेयर 26.80 को क्रॉस कर जाएगा, एक्सपेक्टेशन मेरी शेयर के साथ अच्छी है। और शेयर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन में यहीं पे रहा था, उसके बाद शेयर अब ऊपर गया और 3 लगातार कैंडल डाली है इसने, 3 ग्रीन कैंडल डाल दिए और 26.80 पे चला गया। RSI को देखें, RSI ऊपर की तरफ जा रही है, RSI ने अपट्रेंड लिया है बहुत अच्छा, सॉरी MACD ने अपट्रेंड लिया है, और MACD का हिस्टोग्राम हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और RSI को देखें, RSI 66 पे पहुंच गई है, और अब इस शेयर की RSI हमारे पास आपको 80 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। और एक्सपेक्टेशन कहाँ पे है शेयर की, 26.80 को क्रॉस करेगा और देन हमारे पास 28.20। ये मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर मजीद ऊपर भी जा सकता है क्योंकि कंपनी की रिपोर्ट भी आने वाली है। तो इससे पहले अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री में ये शेयर मेरे ख्याल में 44-45 पे भी मूव करता रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें, शेयर इससे पहले मूव कर चुका है 140 कह दिए। तो ये देखें, ये शेयर अभी ऊपर जा रहा है, तो इससे पहले ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा चुका है, तो ऐसी बात नहीं है कि शेयर नहीं जा सकता। लेकिन वो एक जब नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस पे जाएगा तो अपनी एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा वहां पे। तो जब भी एक रेजिस्टेंस टूटती है तो एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है शेयर, तो जैसे ही सपोर्ट बनती है तब पता चलता है कि शेयर कैसा परफॉर्म करेगा। इससे पहले वैसे कंपनी रेड शेयर भी देती रही है, कोई बात नहीं, आजकल तो मेरे ख्याल में कोई नहीं दे रही, आजकल कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है आजकल तो वैसे। तो बहरहाल मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट बना के दे दी है। अब कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे शेयर 40 पे जाएगा, जा सकता है यार, क्यों नहीं जा सकता, 40 पे भी जा सकता है। बहरहाल पहले तो कम से कम ये 28 का लेवल अबूर करने दें, 28 को क्रॉस करेगा देन देखेंगे, अगर एंट्री बनेगी स्ट्रॉन्ग, अगर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया तो मजीद इंशाल्लाह बाय कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन अभी आप लोग शॉर्ट टर्म के जो छोटे टारगेट है ना उन्हीं पे बिलीव करें। अभी इसके अंदर अगर आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनानी भी थी ना आप लोगों ने,
तो इस लेवल पे अच्छी बनती है, एक स्ट्रॉन्ग इंटी इस लेवल पे बनती है 18 के लेवल पे। एक तो फूड सेक्टर है और फूड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैसे बहुत बिकती हैं हमारे पास। देन एक यहाँ पे एंट्री बनती है 17.50 पे, और देन अगर मजीद देखा जाए तो हमारे पास 14 की सपोर्ट बनती है। तो ये तीन इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो अभी जिस स्ट्रॉन्ग जिस सपोर्ट से इसने अप ट्रेंड लिया है बहुत अच्छी सपोर्ट है मेरे ख्याल में, 22.44। अगले शेयर पे चलते हैं जी, और अगले शेयर है जी हमारे पास PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। अब इसके अंदर आप लोगों ने एंट्री कैसे लेनी है, यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और चुप करके एंट्री लेते जाएंगे जब तक ये ब्रेकआउट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर RSI को देखें, RSI अभी हमारे पास पहुंच गई है तकरीबन 52 पे। RSI अभी हमारे पास बुलिश हो गई है, तकरीबन बुलिश होने वाली है। 50 जो होता है वो हमारे पास न्यूट्रल होता है, उस पे ना ये शेयर ओवरबॉट होता है ना ओवरसोल्ड होता है, लेकिन अभी ये शेयर तकरीबन ओवरबॉट होने लग गया है। तो अभी एक्सपेक्टेशन अच्छी है इस शेयर से, ये शेयर अब मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। और इस शेयर की अब रेजिस्टेंस कहाँ पे ड्रा कीजिए, इसकी जो एक रेजिस्टेंस बनेगी वो हमारे पास तकरीबन बनेगी 15.70 पे। अब सॉरी यार, ये मैंने क्या ड्रा कर दिया, तो मैं इसे जरा हटा ही देता हूँ यार। तो एक्सपेक्टेशन आपने कहाँ पे रखनी है, अब आपने एक्सपेक्ट करना है कि ये शेयर तकरीबन आपको 15.70 पे जाएगा, और 15.70 को लाजमी इसने क्रॉस करना है। अगर 15.70 को क्रॉस कर गया तो देन हम कहेंगे कि ये शेयर अब जाएगा 16.47, और देन हम कहेंगे कि अब ये शेयर मजीद इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो 17.50 की बनेगी, और देन इसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास तकरीबन 18 की बन जाएगी। तो बहरहाल अभी जिस लेवल पे इस शेयर को बाय करना चाहिए था, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था और इसी लेवल पे बाइंग बनती भी थी। ये तकरीबन 13 के लेवल पे, 13 से लेकर तकरीबन और 14 के दरमियान, 13 से लेकर 14 के दरमियान अगर आप लोगों ने एंट्री ले लेते तो मेरे ख्याल में अच्छा था। मैंने तो कहा था कि 13 से 14 के दरमियान एंट्री बनती है, और एंट्री आपको पता ही नहीं चला एंट्री कब बनी और कब ये शेयर चलने भी लग गया। RSI को देखें, RSI एग्जैक्ट कहाँ से ऊपर गई है, 27 से, और बहुत अच्छा जोन होता है 27। 30 से नीचे जाके फौरी अपटर्न ले लेना, या फिर 32 से अपटर्न ले लेना, 35 से अपटर्न ले लेना। RSI 25 से लेकर 35 के दरमियान अगर आप ट्रेंड ले तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास मूव आ सकती है। यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, यहाँ पे आप ट्रेंड ली थी RSI ने, 33 से एक मूव देखने को मिली थी। RSI ने दोबारा 34 से अप लिया था, हमें मूव देखने को मिली थी। RSI ने फिर 35 से अप ट्रेंड लिया था, फिर मूव देखने को मिली थी। और अभी RSI ने 26 से मूव लिया और अभी हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिली थी, और देन RSI दोबारा नीचे आके RSI ने दोबारा 37 से तकरीबन मूव लेने की कोशिश की है, 40 से नीचे नीचे से। तो मेरे ख्याल में अब एक स्ट्रॉन्ग मूव आपको देखने को मिल सकती है, अब ये शेयर आपको बुलिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। वॉल्यूम शेयर में अच्छा होता है, तकरीबन 4.15 मिलियन का वॉल्यूम था, तकरीबन 4.15 मिलियन का शेयर पे वॉल्यूम पड़ा है। बल इसकी मैंने आपको रेजिस्टेंस ड्रा करती है शॉर्ट टर्म के लिए, आप लोगों ने तकरीबन इस लेवल पे बैठना है 16.50 के लेवल, 50 पे लेवल पे आप लोग बैठना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए, अगर जिस बंदे ने बाय किया हुआ इस लेवल पे 13.40-45 पे, तो वो तो मेरे ख्याल में अब 18 का वेट करे, 17 से 18 के दरमियान ही सेल करे, और 17 से 18 के दरमियान दरमियान जाए तो उससे एग्जिट कर दे, उससे पहले शेयर से एग्जिट ना ले। बहरहाल मेरा काम होता है आपको आइडिया देना, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ इसके बारे में। आप लोग अगर मेरी बात को फॉलो करें तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करेंगे तब भी अच्छी बात है, आगे आप लोगों की मर्जी। मेरा काम होता है सिर्फ आपको एक आइडिया दे दूँ, इसकी सपोर्ट ये बन रही है, रेजिस्टेंस ये बन रही है, इसकी शेयर की साइकोलॉजी ये है, शेयर ऐसा परफॉर्म कर सकता है। अगर वो शेयर नहीं परफॉर्म करता है तो उसमें यार मेरा कोई कसूर नहीं होता है, क्योंकि आप लोग कहेंगे यार मैं गलत गाइड कर रहा है, तो जो मैं गाइडेंस आपको दे रहा हूँ वो गाइडेंस मेरे अपने लिए भी होती है। आगे चलते हैं जी और नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास वेव्स। तो वेव्स के बारे में पहले भी हमारी बात हुई थी कि वेव्स अपनी एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है ना उस पे काफी दिनों से स्टे किया हुआ था, और एक इसका कंसोलिडेशन जोन भी चल रहा था, और कंसोलिडेशन जोन को इसने ब्रेक करने की भी कोशिश की है। अगर आप लोगों ने बाय नहीं किया तो अभी भी कर लें यार, अभी भी टाइम है, बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। जिन लोगों ने बाय करना था उन लोगों ने जुमरात वाले दिन, मैंने शायद कहा था, बल्कि नहीं जुमेरात जु हाँ सॉरी जुमरात वाले दिन, मैं जुमे वाले दिन कहने लगा था, जुमरात जुमे 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 को नहीं, जुमरात वाले दिन मैंने आपको कहा था आप लोग इस शेयर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। पर अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला, अगर ये ब्रेकआउट हमें 6.50 पे दे देता है तो मेरे ख्याल में एंट्री बनेगी देन, और 6.50 को शेयर ने क्रॉस भी करना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शेयर हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न यार साल में तो फॉलो हो नहीं रहा है, साल में तो इतना शेयर ये नीचे गया नहीं है, और अगर शेयर की रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट भी इतनी
क्वार्टरली अर्निंग 0.5 और ईयरली अर्निंग 0.60। तो ठीक है, रिपोर्ट इनकी कुछ हद तक बेहतर ही है, इतनी नेगेटिव भी नहीं है। बहरहाल एक अच्छी कैंडल हमारे पास पड़ी थी, ग्रीन मोमेंटम कैंडल पड़ी थी, और अब एक हमारे पास तकरीबन न्यूट्रल सी कैंडल पड़ी है, लॉन्ग बॉडी कैंडल है, और अब एक्सपेक्टेड है कि शेयर आपको गेन दे सकता है। शेयर अब इसकी अगर आप रेजिस्टेंस कहें कि रेजिस्टेंस ड्रा करें, तो जो फंडामेंटली शेयर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है उनकी रेजिस्टेंस भी बहुत छोटी छोटी होती है। ये 6.82 इसकी एक रेजिस्टेंस बनेगी शॉर्ट टर्म के लिए। देन अगर मजीद आप कहते हैं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बताएं, तो लॉन्ग टर्म के लिए मजीद इसकी बनेगी 7.20 पे। और देन आप लोग कहते हैं कि हम लोग अपना मजीद वॉल्यूम और निकालना चाहें अगर रेशियो परसेंटेज के लिहाज से, देन आप 7.50 पे ड्रा कर सकते हैं। और देन इसके बाद मजीद आप लोग अगर ड्रा करना चाहें तो आप लोग तकरीबन 7.80 पे ड्रा कर सकते हैं। तो ये इसकी तीन चार मैंने रेजिस्टेंस ड्रा कर दी है। तो यही चीज़ होती है, अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो सेकंड ब्रेक करने करता है शेयर, सेकंड ब्रेक होती है तो तीसरी ब्रेक करता है। अब अगर फर्स्ट सेकंड ब्रेक कर दे और तीसरी ब्रेक ना करे, नीचे आ जाए, तो आप लोग कहेंगे हमारा लॉस हो गया। तो इसीलिए सेकंड रेजिस्टेंस पे कुछ ना कुछ आप 20% 30% जो आपका शेयर होते हैं वो सेल करके प्रॉफिट ले लिया करें। देन अगर ये वाली ब्रेक करता है, फोर्थ वाली थर्ड वाली सॉरी ब्रेक करता है, तो मजीद आप 30% बेच दिया करें। देन आपका 40% जो होगा वो आप नेक्स्ट टारगेट के लिए रख लिया करें। और अगर उस टारगेट को अचीव नहीं करता, तो आप लोगों का ये जो 7.52 का लेवल है, इस लेवल पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट ले लेंगे। तो इस ये जो स्ट्रेटजी है, इसके लिहाज से आपको तीनों तरीकों से प्रॉफिट ही होगा। बहरहाल इस शेयर ने तकरीबन यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की थी, और ये लेवल था तकरीबन इसका 4.20 का, और अभी ये शेयर तकरीबन पहुंच गया हमारे पास 4.32 के लेवल पे। एक्सपेक्टेड है शेयर गेन देगा। आरएसआई हमारे पास तकरीबन बुलिश हो गई है, आरएसआई हमारे पास बुलिश है और प्राइसेस बुलिश नहीं है, ये भी अजीब बात है। प्राइसेस ने तकरीबन हमारे पास तीन डबल बॉटम बनाए हैं, एक बॉटम यहाँ पे बना है, दूसरा यहाँ पे बना है, तीसरा यहाँ पे बना है। तीन हमारे पास बॉटम बने हैं, ट्रिपल बॉटम जिसे कहते हैं, और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। आप लोग कहेंगे डाइवर्जेंस क्या होती है, डाइवर्जेंस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो लोग आप लोग जाएं और प्ले लिस्ट में जाके देख लें। ये हमारे पास डाइवर्जेंस है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है, और हमारे पास जो मैकडी है सॉरी जो प्राइसेस हैं वो हमारे पास सेम जा रही हैं, प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही इतना ज़्यादा, और प्राइसेस हमारे पास कंसोलिडेशन जोन में ही हैं। तो बहरहाल आरएसआई सजेस्ट कर रही है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकती है, और प्राइसेस भी सजेस्ट कर रही हैं और मैकडी भी सजेस्ट कर रहे हैं। आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोग एंट्री लेना चाहें ना लेना चाहें आपकी मर्जी। जरा 1 आवर पर भी देख लेते हैं, तो 1 आवर पर ये मेरे ख्याल में शेयर तकरीबन 6.46 से वापस आया है। कोई बात नहीं, होता रहता है। तो अभी भी शेयर मेरे ख्याल में अपनी जो इसकी सपोर्ट है, जो हमारे पास एक कंसोलिडेशन जोन था, उससे ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तकरीबन 6.50 तक जाए। 6.50 पे अगर ब्रेकआउट देगा तो देन ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। तो बहरहाल अभी भी शेयर आपको पॉजिटिव और एक बुलिश गेन देखने को मिल सकती है इस शेयर में। नेक्स्ट है जी हमारे पास DOL। DOL के बारे में पहले तो आपको मैं ये कहूँ यार, कंपनी बहुत स्ट्रांग है। शेयर देखें 23 रुपए का शेयर है, और शेयर की अर्निंग कितनी आई है, ईयरली अर्निंग 8 रुपए। इससे पहले शेयर की अर्निंग देखें 7 रुपए, इससे पहले अर्निंग देखें ईयरली अर्निंग 5 रुपए। तो कंपनी की ईयरली अर्निंग इंक्रीज हुई है, और अभी इन्होंने 2 रुपए का हमें टैक्स सॉरी डिविडेंड भी दे दिया है। अभी देखें यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी शेयर ने, और यहाँ से शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट आपने कंफर्म रखना है जेन में 25.50 की तरफ अब ये शेयर आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार अगर ये नीचे आ जाता, तो कोई बात नहीं, नीचे आ सकता है। अगर नीचे आ जाए तो आप लोग घबराते क्यों है, जब आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बाई की हुई है तो उसमें घबराने की क्या बात है यार। कंपनी अच्छी है, मेरे पोर्टफोलियो वालों के पास भी है, मैंने उन्हें बोला हुआ होल्ड करें, डिविडेंड ले, एंजॉय करें। 22 पॉइंट की सपोर्ट है, और देन हमारे पास 21.50 की सपोर्ट है। देन अगर आप कहते हैं कि मजीद और डीप चला जाए, डिप ले जाए, तो 19.85। तो ये हमारे पास इसकी तीन इसकी जो है वो स्पेशल जो थी मेरे ख्याल सपोर्ट थी, वो मैंने आपको ड्रा कर दी है। वेल एक्सपेक्टेड है अब ये शेयर कम से कम 25.50 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वॉल्यूम इसमें तकरीबन हमें 7 लाख का जुम्मे वाले दिन देखने को मिला है, और आरएसआई ने अप ट्रेंड लिया 37 से, और अभी आरएसआई पहुंच गया 47 पे, और अभी भी आरएसआई हमारे पास ओवरसोल्ड ही है। अभी लोग इस उन्होंने कुछ कुछ ना कुछ लोग बाय करना जा रहे हैं। और अगर देखा जाए मैकडी को, तो मैं जरा इसे जूम आउट कर लूं, तो मेरे ख्याल में
आप लोगों को अच्छा ना समझ आएगा। तो मैकडी ने तकरीबन यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की है और यहीं पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं। कम से कम आप लोग 25.25 का टारगेट रख सकते हैं अपने जहन में, लॉन्ग टर्म के लिए वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहता है तो उसका टारगेट क्या होगा, 24 से आप लोग बाई करेंगे और तकरीबन 25.50 पे आप लोग सेल करेंगे। ये आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होगी। अगर आप बाय करते हैं 23.47 पे तो आप लोग 24.50 पे सेल कर देंगे, सॉरी 23 मैंने बोल दिया, 24.03 पे बाय करें या फिर 23.90 से लेकर 24 तक आप लोग बाय करें और 24.50 पे आप लोग सेल कर दें। ये आपको मैं शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ। बरल मैकडी ने भी बाय कॉल जनरेट कर दी है, आरएसआई ने भी बाय कॉल जनरेट कर दी है। अब जरा मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं, मूविंग एवरेज क्या कहती है। बरल एक और बात जहन में रखिएगा, इंडिकेटर्स का मतलब होता है इंडिकेशन देना कि क्या हो सकता है, लाजमी बात नहीं वही होगा। अब देखिए ये जो हमारे पास कैंडल थी 21 सितंबर को जो जुमरात वाले दिन थी उस दिन बाय कॉल जनरेट हुई थी और अभी उसके बाद देखें ऊपर की तरफ गया है ये शेयर। तो टेक्निकल्स फॉलो होते हैं, जरूर फॉलो होते हैं, अब ये बात नहीं कि टेक्निकल फॉलो नहीं होते हैं। ये देखें इस कैंडल ने हमें कहा था शेयर से एग्जिट ले लें और देखें इस मूविंग एवरेज ने कहा था एग्जिट ले लें और मूविंग एवरेज को ना मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ फिर आपको बेहतर समझ आएगा। सॉरी मूविंग एवरेज का अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगी कि मूविंग एवरेज कैसे सजेस्ट कर रही है कि हम लोग यहाँ से एग्जिट लें या ना लें। तो मैं यहाँ पे इसे फुल ब्लैक कर देता हूँ और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं ज़रा बढ़ा देता हूँ, ये लें जी, अभी आपको बेहतर समझ आएगा। मैं इसे ज़रा जूम कर देता हूँ और अभी देखें ये हमारे पास लाइन आ रही है मूविंग एवरेज की और ये इस जो हमारे पास 21 सितंबर की कैंडल थी वो इससे ऊपर क्लोज हुई थी और मूविंग एवरेज के लिहाज से कैंडल ने सजेस्ट किया था कि बाई कर लें और मूविंग एवरेज ने कहा था कैंडल के लिहाज से सजेस्ट किया था बाई कर लें और अभी जो नेक्स्ट कैंडल पड़ी है वो हमारे पास ऊपर पड़ी है और ये शेयर तकरीबन 24.27 तक भी गया था और लो कहाँ पे था 23.81। इसलिए मैंने आपको बोला है 23.80 से लेकर 24 तक आप लोग बाई करें और 24.50 पे आप लोग सेल कर दें। मूविंग एवरेज ने भी बाई कॉल जनरेट किया, आरएसआई ने भी बाई कॉल जनरेट किया और मैकडी ने भी बाई कॉल जनरेट कर दी है। नेक्स्ट ईयर हमारे पास लास्ट ईयर है फैसल बैंक और ये मेरे ख्याल में 23 या 24 शेयर आज के हमारे पास हो गए हैं और वीडियो भी 1 घंटा 15 मिनट की हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रा कर रहा हूँ जिस सपोर्ट से इसने एक शेयर ने जिस प्राइस से सपोर्ट लेने की कोशिश की है तो इस सपोर्ट से शेयर ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है और बैंकिंग सेक्टर है और शेयर बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, डिविडेंड कम था लेकिन कोई नहीं होता रहता है। इससे पहले भी शेयर 1 रुपए का ही डिविडेंड देता है, इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं देता है। तो मेरे ख्याल में फैसल बैंक को बाय करने का बहुत ही अच्छा मौका है। 21.39 इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, देन इसके बाद 20 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ इसे ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं दोबारा कह रहा हूँ एक खास रीजन नहीं होता है बल्कि एक खास प्राइस नहीं होती है बल्कि ये एक खास हमारे पास जोन होता है। जोन के अंदर दो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, उनके दरमियान दो रेंज होती हैं, दो प्राइसेज होती हैं, उनके दरमियान की एक रेंज होती है जिसके दरमियान हमें जो एरिया होता है उसे हम सपोर्ट या जोन कह देते हैं, सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन कह देते हैं। माजत यार 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो हो गई है तो अब जबान भी इजाजत नहीं दे रही है मजीद बोलने की। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अभी इस शेयर के अंदर एंट्री बनती है, अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री इस शेयर के अंदर बनती है। यार एक तो एससीएस ट्रेड वालों में भी थोड़ा मसला है, ये देखें इसके अंदर भी ग्लिचेज आ रहे हैं तो ये भी देखें, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, हालांकि मैंने तो हटा भी दिया क्लिक करके, बल थोड़ा बहुत ऐप का इशू चलता ही रहता है वेबसाइट वगैरह का। तो बहरहाल जिन लोगों ने अभी इस लेवल पे बाय किया मैं कहता हूँ बहुत अच्छी जगह पे बाय किया है। आरएसआई ने बाय कॉल जनरेट कर दी थी हमारे पास तकरीबन 21 सितंबर वाली कैंडल को और उस दिन ये शेयर मूव कर रहा था तकरीबन 21.80 पे, 21.80 पे क्लोजिंग थी और 21.80 पे अगर आप लोग बाय कर लेते तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी बात थी। अब ये शेयर चला गया है 21.15 पे और अभी भी मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसे बाय कर लें लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप टारगेट सेट करना चाहें तो आप लोग अपने टारगेट क्या सेट करेंगे, इसका टारगेट होगा हमारे पास नेक्स्ट टारगेट तकरीबन बनेगा हमारे पास 22.70 और मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ 22.70 और देन इसके बाद जो टारगेट बनेगा तकरीबन हमारे पास 24 का, यहाँ पर टारगेट बन रहा था 24 का बनेगा और 24 के बाद मजीद हमारे पास जो टारगेट बनेगा 20 25 का बनेगा और देन हमारे पास 26 का।
तो बहरहाल 26-25 तक पहुंचे या ना पहुंचे, 25-24 तक ये शेयर ज़रूर जाएगा। तो 24 तक अगर ये मेरे ख्याल में आपको अभी भी गेन दे देता है तो मेरे ख्याल में तकरीबन 1.75 रुपए का गेन दे देता है 1.75 का। तो बहरहाल RSI ने भी बाय कॉल जनरेट किया है और MACD ने भी बाय कॉल जनरेट किया है और कैंडल पैटर्न ने भी बाय कॉल जनरेट किया है और वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम भी तकरीबन 1 मिलियन का वॉल्यूम था, वॉल्यूम ने भी बाय कॉल जनरेट किया है और हमारे पास जो प्राइस एक्शन है उसने भी बाय कॉल जनरेट कर दिया। बस लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस शेयर के अंदर भी बाइंग अपनी बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज के लिए इतना है जी, ये तकरीबन 20 से 25 तक कुछ शेयर थे जिन पे टेक्निकल एनालिसिस हमने किया है। तो आप लोग, मैं जो वीडियो बनाता हूँ इतनी लंबी तो आप लोगों के लिए बताता हूँ, तो आप लोग अपना जो एनालिसिस होता है किसी भी शेयर के बारे में, एक दो भाई हैं मानी स्टोरीज के नाम से और हमराज के नाम से, तो वो अक्सर कमेंट करते रहते हैं और उनके कमेंट पढ़ के मुझे भी अच्छा लगता है कि वो कम अज़ कम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ही और डिस्कशन कर रहे हैं। वो बेसिकली कंपनी की जो होती है ना फंडामेंटल्स होता है और सेल्स वगैरह हो गई, फंडामेंटल्स हो गई उनकी, उन पर ना वो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है वो शेयर कर देते हैं और मुझे वाकई उनकी वो चीज़ें पढ़ के और इन्फॉर्मेशन पढ़ के अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं होती जो उनके पास होती है। तो इसलिए वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राय दिया करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता होती है वो भी बताया करें, क्योंकि अगर मैं कमेंट रीड करूँ ना करूँ कोई और बंदा पढ़ लेगा, उसे कोई ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा, तो नॉलेज शेयर किया करें। तो जो भी आपके पास न्यूज़ होती है वो भी बेशक नीचे टाइप कर दिया करें, राइट कर दिया करें या फिर व्हाट्सएप पे ही मेरे साथ शेयर कर दिया करें, मैं ताकि जो काजी स्पीक्स का डिस्कशन का ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया करूं, या आप अगर उस ग्रुप में ऐड हैं तो आप लोग खुद ही शेयर कर दिया करें। तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में, इस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना है जी, तो ये टेक्निकल एनालिसिस था, तकरीबन 1 घंटा 21 मिनट की वीडियो हो गई है, 1 घंटा 20 मिनट ही कर लें, 1 घंटा 19 मिनट और 20 सेकंड की अभी ये वीडियो हो गई है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।